हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1981 की एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसका नाम है कहानी एक चोर की। फिल्म के बेस्ट फैक्ट्स, रिव्यू एंड समरी। तो गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। कहानी एक चोर की 1981 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण एस रामनाथन द्वारा निर्देशित दीपक इंटरनेशनल बैनर के तहत बालू भाई शाह ने किया है। इसमें जितेंद्र, मौसमी चटर्जी, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा और रविंद्र जैन द्वारा रचित संगीत है। यह अनुभवी अभिनेत्री लक्ष्मी की नायिका के रूप में आखिरी हिंदी फिल्म थी, क्योंकि वह अपने अभिनय कैरियर को ज़्यादातर नीचे दक्षिणी फिल्म उद्योग की ओर केंद्रित करना चाहती थी। वह 25 साल के अंतराल के बाद फिल्म हलचल के साथ बॉलीवुड उद्योग में वापसी करेगी, करीना कपूर खान की दादी की भूमिका निभाकर। और उसके बाद से आगे किसी भी हिंदी फिल्म में अभिनय नहीं किया। इस फिल्म का निर्देशक एस रामानाथन ने किया, द्वारा लिखित के बी पाठक, रविंद्र जैन, हसरत जयपुरी के गीत, द्वारा उत्पादित बालू भाई शाह अभिनीत, जितेंद्र, मौसमी चटर्जी, विनोद मेहरा, छायांकन के रमन लाल द्वारा संपादित ए पॉल दूरी सिंगम, संगीत दिया रविंद्र जैन ने, प्रोडक्शन कंपनी दीपक इंटरनेशनल, रिलीज की तारीख 5 दिसंबर 1981, कार्यकारी समय 138 मिनट, देश भारत और भाषा हिंदी है। तो गाइज, अब बात करते हैं इस फिल्म के कहानी के। फिल्म की शुरुआत एक चोर शंकर से होती है, जो अपने बड़े बेटे राम को अपने भविष्य पर ग्रहण लगाने वाले शिल्प में शामिल करता है। यह जानकर उसकी पत्नी गौरी बच्चों को त्याग देती है। जब शंकर छोटे श्याम को पकड़ लेता है, 7 साल बीतते जाते हैं और गौरी अपनी मेहनत से राम को एक अच्छा इंसान के रूप में ढालती है। वह राम को एक अच्छा इंसान बनाती है। फिल्म की शुरुआत जो है शंकर चोर से होती है, जो अपने बड़े बेटे राम को अपने भविष्य में जो है एक चोर बनाना चाहता है, अपने जैसा ही चोर बनाना चाहता है। लेकिन उसकी पत्नी जो है गौरी बच्चों को त्याग देती है। जब शंकर छोटे बेटे श्याम को जो है पकड़ लेता है और साल बीतते जाते हैं, गौरी अपनी मेहनत से राम को एक बहुत अच्छा इंसान बनाती है। वह एक बुद्धिमान महिला सीता से शादी कर लेता है। वे आनंद से रहते हैं और सीता गर्भवती हो जाती है। श्याम जेब काटने का मास्टर बन जाता है, लेकिन सुधरे हुए शंकर ने उसे इस पेशे से अलग कर दिया। एक बार श्याम 1 करोड़पति सेठ बिहारी लाल को चोरों से बचाता है और अपनी बेटी गीता के लिए उसका हाथ मांगता है। गीता की शादी उससे करना चाहता है। इस बीच एक विवाद में राम की नौकरी चली जाती है, नतीजन उसका परिवार भूख से मर जाता है, मर रहा होता है, जिससे सीता की मृत्यु हो जाती है, जो एक बच्चे राजू को जन्म देती है। तब राम साहसी गैंगस्टर माइकल की ओर मुड़ता है और जैकपॉट मारता है, लेकिन इस तथ्य को छिपाकर अपनी माँ को धोखा देता है। वह एक किंग पिंग विक्रम के साथ मिल जाता है और एक दुश्मन रणजीत काम लेता है। एक अंतर्राष्ट्रीय सौदे में राम को पकड़ लिया जाता है और दंडित किया जाता है। इस प्रकार गौरी राम की असली छाया सीखती है, दिखती है और वह उसे त्याग देती है। राम जो है एक बहुत ही अच्छा इंसान, इसमें गौरी उसको उसकी माँ बनाती है, लेकिन उसकी नौकरी छूट जाने के कारण उसकी पत्नी सीता मर जाती है। वह भूखों मरते हैं और उसकी पत्नी सीता का देहांत हो जाता है। इस कारण दुखी राम जो है एक गैंगस्टर बन जाता है। वह
बड़े बड़े सरगनों के लिए काम करना शुरू कर देता है। तभी राम को जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सौदे में पकड़ लिया जाता है। तब राम की असलियत जो है उसकी माँ के सामने आती है और वह उसका त्याग कर देती है। हालांकि राजू राम से वह व्यवस्थित हो जाता है। इसके अलावा वह एक दुर्घटना के साथ मिलता है जब सांप उसे बचाता है और उसकी स्थिति के कारण अपने पिता के सामने भी दिखावा करता है। अब श्याम उन्हें समायोजित करता है और गौरी शंकर को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और वे फिर से मिल जाते हैं। राम फिर से शांतिलाल साह के रूप में अपनी पोशाक बदलते हैं जबकि श्याम उनकी तलाश में है। फिर एक विवाद शुरू हो जाता है जो गौरी के हस्तक्षेप से शांत हो जाता है। इधर राम अपने परिवार के पास वापस जाने के लिए उत्साहित है लेकिन वह उनकी नफरत को सहन नहीं कर पा रहा है। आखिरकार रंजीत राजू का अपहरण कर लेता है। रंजीत जो है राम के बेटे राजू का अपहरण कर लेता है। अंत में राम और श्याम उसे रोकते हैं और राजू की रक्षा करते हैं। अंत में फिल्म राम के पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने और अपनी माँ की क्षमा प्राप्त करने के साथ समाप्त होती है। एक अंतर्राष्ट्रीय सौदे में राम को पकड़ लिया जाता है और दंडित किया जाता है। इस प्रकार गोरी राम राम की असली छाया को देखती है और उसे त्याग देती है। हालांकि राजू राम से व्यथित हो जाता है। उसका बेटा राजू जो है राम की हालत को देखकर बहुत ही व्यथित हो उठता है और इसके बाद वह एक दुर्घटना के कारण अपने छोटे भाई श्याम से मिलता है। श्याम उसे बचाता है और वह उसकी स्थिति को देखकर अपने पिता के सामने उसे ले जाता है। गौरी जो है शंकर से मिलती है और वह शंकर को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। गौरी और शंकर फिर से मिल जाते हैं और एक खुशहाल जीवन जो है व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। राम शांतिलाल साह के रूप में अपनी पोशाक बदलता है जबकि श्याम उसकी तलाश में है। फिर एक विवाद शुरू होता है जो गौरी के हस्तक्षेप से समाप्त हो जाता है। इधर राम जो है अपने परिवार से मिलने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। वह अपने परिवार से मिलना और उसके साथ रहना चाहता है लेकिन उसकी जो है वह उनकी अपने परिवार की नफरत को सहन नहीं कर पा रहा है। इस कारण उसे वहाँ पर अपने परिवार से के पास जाने में एक डर लगता है, हिचकिचाहट होती है। आखिरकार इसी भी जो है रणजीत राजू राम के बेटे राजू का अपहरण कर लेता है और जब उन दोनों भाई राम और श्याम को यह पता चलता है तो वह उसे वापस घर लाने के लिए रणजीत के पास जाते हैं और वहाँ पर जहाँ से छुड़ा लेते हैं उसे रणजीत के चंगुल से अपने बेटे राजू को छुड़ा लेते हैं। और अंत में फिल्म राम जो है अंत में फिल्म के अंत में राम जो है पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और अपनी माँ से अपनी पापों के लिए क्षमा मांगता है और उसकी माँ ऐसे समाप्त समा प्राप्त करने के साथ ही यह फिल्म समाप्त हो जाती है और उसकी माँ उसे क्षमा कर देती है। उसके माँ राम की माँ के क्षमा करने के बाद जो है राम यहाँ पर फिल्म जो है समाप्त हो जाती है। तो गाइस अब बात करते हैं उस फिल्म के कास्ट की। इस फिल्म में किन किन कलाकारों ने अभिनय किया है तो यहाँ पर जो है जितेंद्र राम माइकल शांतिलाल श्याम के रूप में जो कि गौरी और शंकर का बेटे के रूप में अभिनय किया है। मौसमी चटर्जी जो है सीता के पत्नी के रूप में। मौसमी चटर्जी जो है सीता के रूप में जो कि राम की पत्नी के रूप में इसमें अभिनय किया है। श्याम विलायती के रूप में विनोद मेहरा ने
इसमें अभिनय किया है शंकर और गौरी के बेटे के रूप में, असरानी कांतिलाल के रूप में, मदनपुरी शंकर के रूप में, रंजीत रंजीत के रूप में, सेठ बिहारी लाल के रूप में, एके हैगल, विकी के रूप में, पी जय जयराज, मुकरी मलियाल खान के रूप में, चंद्रशेखर सीआईबी इंस्पेक्टर चंद्रा के रूप में, रंजन अलकर, नवीजू खोटे, यूनुस परवेज डेंजोगपा के रूप में, गोरी के रूप में, निरूपा रॉय, लक्ष्मी गीता के रूप में, आइटम डांसर के रूप में, अरुणा ईरानी, मास्टर टीटो राजू के रूप में। तो अब बात करते हैं इस फिल्म के गीत और संगीत की। इस फिल्म में चार गीत हैं और सबसे पहले पर जो आता है कि करिश्मा ये क्या हो गया, इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार और हेमलता ने। इसके गीतकार है हसरत जयपुरी। नंबर दो पर आता है सब सब के मुरा सबको मुरादें मिलती है, इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। इसके गीतकार रविंद्र जैन हैं। नंबर तीन पर आता है ये रात सरदर्द है, इस गीत को गाया है आशा भोसले ने और इसके गीतकार हैं हसरत जयपुरी। नंबर चार पर आता है चोर चोर को पकड़ते, इस गीत को आवाज़ दी है महेंद्र कपूर, हेमलता, के जे यशुदास ने और इसके गीतकार है रविंद्र जैन। तो जो है यह फिल्म 1981 की फिल्म है, जिसमें मुख्य कलाकारों के रूप में जितेंद्र मौसमी चटर्जी और विनोद मेहरानी अभिनय किया। आइए बात करते हैं हम इस फिल्म के कलाकार रवि कपूर जी ने, उनके मंचीय नाम जितेंद्र के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता और निर्माता है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, अपने नृत्य के लिए प्रसिद्ध। उन्हें 2003 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2006 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें 1980 के दशक के दौरान तेलुगु फिल्मों के रीमेक में उनकी उपस्थिति के लिए जाना जाता है, जिनमें उन्हें अक्सर श्रीदेवी और जया के साथ कास्ट किया जाता था। पर्दा वह बालाजी एलिमिट टेलीविजन टेली फिल्म्स, बालाजी मोशन पिक्चर्स और ए एल टी एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं। इनका जन्म रवि कपूर 7 अप्रैल 1942 में, यह 79 वर्ष की उम्र के हैं। जीवन साथी शोभा कपूर, संतान एकता कपूर बेटी, तुषार कपूर बेटा, रिश्तेदार अभिषेक कपूर भतीजा। जितेंद्र का जन्म एक पंजाबी खत्री परिवार में रवि कपूर के रूप में अमृतसर पंजाब में अमरनाथ और कृष्णा कपूर के घर में हुआ था, जिनका व्यवसाय फिल्म उद्योग और आपूर्ति के लिए जाने वाले नकली आभूषणों से संबंधित था। उन्होंने अपने दोस्त राजेश खन्ना के साथ मुंबई के गिरगांव में सेंट इस्बेस्टियन गोवन हाई स्कूल में पढ़ाई की और फिर मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज में पढ़ाई की। वी शांताराम को गहनों की आपूर्ति करते समय उन्होंने 1959 की फिल्म नवरंग में संध्या के चरित्र के डबल रोल के रूप में लिया गया था। आजीविका। जितेंद्र का सक्रिय अभिनय कैरियर 1960 से 1990 के दशक तक फैला रहा। जितेंद्र को अपना पहला बड़ा ब्रेक वी शांताराम की गीत गाया पत्थरों ने 1964 और बूंद जो बन गई मोती 1967 से मिला। हालांकि यह फिल्म फर्ज 1967 थी, जिसने सफलता के लिए उनके कदम के
रूप में काम किया। फर्ज में मस्तबहारों का मैं आशिक नंबर के लिए उन्होंने एक रिटेल स्टोर से जो टी शर्ट और सफेद जूते खरीदे वह उनका ट्रेडमार्क बन गया। फर्ज के बाद कारवा और हमजोली जैसी फिल्में आई जिनमें जितेंद्र के डांस नंबर ज्यादा थे। फिल्मों में उनके जोरदार नृत्य ने उन्हें यह उपाधि दी, बॉलीवुड के जंपिंग जैक। उन्होंने मुख्य भूमिका के रूप में लगभग 200 फिल्मों में अभिनय किया, जो कि हिंदी सिनेमा की शुरुआत के बाद से उनके कुछ ही साथियों से मेल खाती है। टी रामा राव, के बपैया, के राघवेंद्र राव और दासी नारायण राव द्वारा तेलुगु फिल्मों के रीमेक के लिए जितेंद्र को अक्सर जयप्रदा या श्रीदेवी के साथ जोड़ा जाता था। इनमें संजोग, औलाद, मजाल, जस्टिस चौधरी, मवाली 1983, मतवाला 1983 और तोहफा 1984 शामिल है। उन्होंने हिंदी के कई रीमेक में भी काम किया। कृष्णा की तेलुगु फिल्में और उनके साथ बहुत करीबी रिश्ता था। इन दक्षिण भारतीय रीमेक के अलावा जब भी वह परिचय, किनारा और खुशबू जैसी फिल्मों में लेखक गीतकार गुलजार के साथ काम करते थे तो जितेंद्र का एक कमजोर पक्ष था जिसमें ओ माजी रे, मुसाफिर हूँ जैसे कई खूबसूरत गाने थे, यारों और नाम गम जाएगा राहुल देव बर्मन द्वारा रचित और किशोर कुमार द्वारा गाया गया था। व्यक्तिगत जीवन। जितेंद्र अपनी पत्नी शोभा से मिले थे जब वह केवल 14 वर्ष की थी। उन्होंने स्कूल पूरा किया, कॉलेज गई और ब्रिटिश एयरवेज के साथ एक एयर होस्टेस के रूप में कार्यरत थी। जब जितेंद्र 1960 और 66 के बीच खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो वह शोभा के साथ रिश्ते में थे और वह 1972 तक उनकी प्रेमिका थी। 18 अक्टूबर 1974 को विदाई की रिलीज तक यह नहीं पता था कि जितेंद्र और शोभा ने पाने का फैसला किया है और दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। शादी जो उनकी उन्होंने जितेंद्र और शोभा ने एक साथ रहने का और शादी करने का फैसला किया, जो कि उन्होंने जानकी कुटीर में एक साधारण समारोह में की जिनमें केवल कुछ परिवार के सदस्य और दोस्त मौजूद थे। अपनी अधिकृत जीवनी में हेमा मालिनी ने दावा किया कि उन्होंने लगभग शादी कर ली थी लेकिन वह पीछे हट गई। शादी से जितेंद्र और शोभा के दो बच्चे हैं। उनकी बेटी एकता कपूर बालाजी टेली फिल्म चलाती है और उनके बेटे तुषार कपूर भी एक अभिनेता है। जितेंद्र ने अपनी बेटी के द्वारा निर्मित फिल्म कुछ तो है में संक्षिप्त रूप से अभिनय किया, जो 2002 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म थी जिसमें वह अपने बेटे तुषार के साथ दिखाई दिए। कपिल शर्मा शो के 6 नवंबर 2021 के एपिसोड के दौरान जब जितेंद्र और एकता कपूर मेहमान थे, उन्होंने 1975 की एक घटना बताई। उन्हें करवा चौथ पर फ्लाइट से मद्रास जाना था। उनकी उड़ान में देरी हो गई और वह घर वापस चले गए ताकि शोभा आवश्यक अनुष्ठान कर सके, जैसे कि चंद्रमा को देखना और अपना उपवास तोड़ना। शोभा ने उन्हें वापस एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया, इसलिए जितेंद्र ने अपने मेकअप मैन को बुलाया और उसे घर वापस आने के लिए कहा और वे अगले दिन निकल गए जाएंगे। लगभग 10:30 या 11 बजे उन्होंने अपने फ्लैट बांद्रा के पाली हिल में एक ऊंचे स्थान पर उसे बाहर देखा और देखा कि एक आग का गोला
हवाई अड्डे की ओर आ रहा है। बाद में कुछ घंटों के बाद उसका फोन लगातार बज उठा और लोगों ने फोन करके पता लगाया कि क्या हुआ था। वह जिस फ्लाइट से जाने वाले थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। शोभा की दूरदर्शी जिद थी कि वह न जाए वरदान साबित हुई। वह फ्लाइट थी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 171। पुरस्कार, सम्मान और मान्यताएं। 1998 18वें उजाला सिनेमा एक्सप्रेस अवार्ड्स में गेस्ट ऑफ ऑनर अवार्ड। 2002 न्यूयॉर्क में जी गोल्ड बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 2003 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 2004 अटलांटिक सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका में लेजेंड ऑफ इंडिया सिनेमा पुरस्कार। 2005 स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 2008 सुनसई टेलीविजन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 2012 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जी सिने अवार्ड। 2012 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जितेंद्र एक भारतीय बॉलीवुड फिल्म अभिनेता है और उन्हें फिल्म और टीवी धारावाहिक निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने लगभग 200 बार हिंदी फिल्मों में मुख्य नायक के रूप में अभिनय किया। उन्होंने अपने 6 दशक में लंबे फिल्मी कैरियर में बॉक्स ऑफिस पर 121 से अधिक हिट फिल्में दी है। 1960 से 1970 तक नवरंग, 1959 गीत गाया पत्थरों ने, 1964 विजय, गुनाहों का देवता 1967, कुंदन, फर्ज 1967, गोपाल किसान पांडे, एजेंट 116, गुंडाचारी 116 का रीमेक, बूंद जो बन गई मोती 1967, मास्टर सत्य प्रकाश, परिवार 1967, गोपाल, स्वागत 1968, जितेदर जीतो, औलाद 1968, अरुण सोहन, मेरे हजूर 1968, अख्तर हुसैन अख्तर, धरती कहे पुकार 1969, शिव कुमार, दो भाई 1969, विजय वर्मा, नेनो मिनिसिस 1971 के रूप में तेलुगु में रिमेक, तमिल में जस्टिस विश्वनाथन 1971 के रूप में रिमेक, जीने की राह 1969, मोहन बातुकु थेरुवु का रिमेक 1953, बड़ी दीदी 1969, अमर जिगरी दोस्त 1969, गोपी और आनंद दोहरी भूमिका, एमए तमन्ना का रिमेक 1966, अनमोल मोती 1969, विजय विश्वास 1969, रवि वारिस 1969, रवि नान का रिमेक, स्वर्ण पदक 1969, गोपाल खिलौना 1970, मोहन सिंह पुनर्जन्म का रिमेक, माँ और ममता 1970, टक्कर मारना हिम्मत 1970, रघु अदृष्टवंतलू का रिमेक, जवाब 1970, राजा राजकुमार, पेरिया इदांतु पेन का रिमेक, हम जोली 1970, राजेश पनकाकरा कंदोबम का रिमेक, मेरे हम सफर 1970, राजू जंगली, नया रास्ता 1970, चंदर बिखरे मोती 1971, आनंद कठपुतली 1971, विशाल चाहत 1971, अरुण एक नारी एक ब्रह्मचारी 1971, मोहन कुमार एस चौधरी ब्रह्मचारी का रिमेक, कारवा 1971, मोहन गर्ल ऑन द रन पर आधारित, बनपूल 1971,
हरिया एक हसीना दो दीवाने 1972, अमर एक बेचारा 1972, राजन शादी के बाद 1972, श्याम भी रामो पेली चेसी चोरों का रिमेक भाई हो तो ऐसा 1972, भगत सिंह अस्थि पारलू का रिमेक परिचय 1972, रवि राजकुमार मेहता के बंगाली उपन्यास रंगीन उत्तरायण पर आधारित और आंशिक रूप से 1965 की फिल्म द साउंड ऑफ म्यूजिकल से प्रेरित है। रूप तेरा मस्ताना 1972, राजा साहब और राजकुमार दोहरी भूमिका, यार मेरा 1972, श्याम सजा 1972, कव्वाली गायक अनोखी अदा 1973, राकेश किशन गरम मसाला 1973, जीत अतिथि गहरी चाल 1973, सागर वेरा ने जाम के रूप में रिमेक जैसे को तैसा 1973, विजय और विनोद कुमार दोहरी भूमिका भाले जोड़ी का रिमेक विदाई 1974, सुधाकर थल्ला का रिमेक पेलामा 1970, रोटी 1974, शम अतिथि दुल्हन 1974, अशोक और विजय दोहरी भूमिका शारदा का रिमेक 1973, खुशबू 1975, डॉक्टर वृंदाबानी बानी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के बंगाली उपन्यास पंडित तमसाई पर आधारित, उम्र कैद 1975, अकबर आखिरी दाव 1975, रवि भगवती चरण वर्मा के 1950 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित, रानी और लाल परी 1975, राजकुमार नागिन 1976, नाग नर नाग फ्राइकोइस 2 फोर्ट की फ्रांसीसी फिल्म द ब्राइट वो ब्लैक से प्रेरित, जो कर्नील वोलरिच के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी, संकोच 1976, शेखर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास परिणीता पर आधारित, धूप की कालीमा 1976, रवि टाटा मान वाडू का रिमेक 1972, उधार का सिंदूर 1976, राजा राजकुमार मनु सल्लो देवडू का रिमेक 1974, जय विजय 1977, प्रिंस जय डाकू शेर सिंह चिकुडू दोरा काडू का रिमेक 1967, धर्मवीर 1977, वीर सिंह किनारा 1977, इंदर दिलदारी 1977, बाके लाल लालू सोईगाडू का रिमेक 1976, एक ही रास्ता 1977, अतीन सिंह जमानती 1977, रवि कसम खून की 1977, किसान प्रियतम 1977, रवि पलकों की छाव में 1977, रवि सैनिक अतिथि अपनापन 1977, अनिल मेहरा इलाडू तेलुगु के रूप में फिर से बनाया गया 1981 में, तुम्हारी कसम 1978, आनंद कर्मयोगी 1978, अजय निपुटो चेलागाटम 1982 के रूप में फिर से बनाया गया, दिल और दीवार 1978, विजय जीवन तरंगों का रिमेक 1973, बदलते रिश्ते 1978, सागर सिंह चौकी नंबर 11 1978, जीनत अतिथि स्वर्ग नरक 1978, मोहन विक्की कपूर स्वर्गम नरकम का रिमेक 1975, नालायक 1978, लक्ष्मण नारायण आतिश 1979, आनंद देवु दी चिना कोडुकु तेलुगु 1980 के रूप में फिर से बनाया गया, जनदारी 1979, गुल्लाखन अतिथि जानी दुश्मन 1979, अमर कनाडा में प्यार 1979, देव खानदान 1979, रवि जीविता रत्नम तेलुगु के रूप में रिमेक 1981, हम तेरे आशिक है 1979, आनंद लोक परलोक 1979, अमर
यामा गोला का रिमेक, आपके दीवाने 1979 रॉकी अतिथि, राजमहल 1980 रवि, जलती हुई ट्रेन तबानी ट्रेन 1980 रवि, बुलेट ट्रेन से प्रेरित 1975 टक्कर 1980 विजय, देवरू चेसी का मनुसुलु का रीमेक 1973, ज्योति बने ज्वाला 1980, सूरज और ज्योति ज्वाला दोहरी भूमिका, कटक ताला रुद्रेय का रीमेक 1978, जुदाई 1980, डॉक्टर से शशिकांत वर्मा आलू मगलू का रीमेक 1977, नियत 1980, जीत निशान 1980, राजा वेटा गाड़ू का रीमेक 1979, मांग भरो सजना 1980, राजकुमार और चंद्रा दोहरी भूमिका, कार्तिक दीपम का रीमेक 1979, आशा 1980, दीपक तेलुगु में अनुराग देवता 1982 के रूप में रीमेक, तमिल में मंगलती 1983 के रूप में रीमेक, मंदिरा के रूप में बंगाली में रीमेक 1981 से 1985 तक, वक्त की दीवार 1981, अमर खान खून और पानी 1981, राकेश राकी राका लक्ष्मण धुआ 1981, अशोक सक्सेना इशारा चेड ए कुड सेडो का रिमेक 1957, शारदा 1981, इन धर्म मल्होत्रा ज्योति 1981, गोविंद अर्धांगी का रिमेक 1955, खून का रिश्ता 1981, रवि प्यासा सावन 1981, चंद्रकांत रवि दोहरी भूमिका, ये दत्त स्थूला मेधा का रिमेक 1980, एक ही भूल 1981, राजकुमार श्रीवास्तव मौन गीता गंग का रिमेक 1980, मौसम्बी नारंगी मराठी 1981, राजा कव्वाली गायक अतिथि, सक्का 1981, सक्का मेरी आवाज़ सुनो 1981, इंस्पेक्टर सुनील कुमार कंवरलाल दोहरी भूमिका, अंता का रीमेक 1981, कहानी एक चोर की 1981, टक्कर माना अपना बना लो 1982, गुरुजी रक्षा 1982, गोपाल किशन पांडे एजेंट 116, रहस्य गुंडाचारी का रीमेक 1981, चोरनी 1982, डॉक्टर विक्रम सागर, इंसान 1982, रवि बदले की आग 1982, इंस्पेक्टर अमर वर्मा, मेहंदी रंग लाएगी 1982, डॉक्टर रामू गोरी टाकू का रिमेक 1979, फर्ज और कानून 1982, एसपी रंजीत कुमार रामू दोहरी भूमिका, कोडावीति सिंघम का रिमेक 1981, लक्ष्मी 1982, कव्वाली गायक अतिथि, दीदारे यारी 1982, नवाब अख्तर नवाब खान, जियो और जीने दो 1982, इंस्पेक्टर विजय अनोखा बंधन 1982, हरी बाबू अतिथि धर्मकांत 1982, लक्ष्मण शिव सम्राट 1982, राजू रास्ते प्यार के 1982, मोहनलाल श्रीवास्तव दशहरा बुलोडू का रिमेक 1971, निशान 1983, रवि हिम्मत वाला 1983, रवि ओरी की मोना मोनाग्लू का रिमेक 1981, प्रेम तपस्या 1983, मोहन कुमार वर्मा का प्रेम अभिषेक का रीमेक 1981, अर्पण 1983, अनिल वर्मा जानी दोस्त 1983, वीरू अदावी सिमलाहु का रीमेक 1983, न्यायमूर्ति चौधरी जस्टिस चौधरी 1983, आर के चौधरी रामू दोहरी भूमिका जस्टिस चौधरी का रीमेक 1982, मवाली 1983, रमेश गंगू दोहरी भूमिका, चट्टुलू नारू जगराथा का रीमेक 1980, तोहफा 1984, राम बाबू देवता का रीमेक 1982, ये देश 1984, चंद्रमोहन आजाद,
आयनाडु का रीमेक 1982, अकलमन 1984, डॉक्टर किरण मकसद 1984, तिलक मंगरू का रीमेक 1983, कैदी 1984, सूरज खादी का रीमेक 1983, कामयाबी 1984, रामू कृष्णा दोरी भूमि का शक्ति का रीमेक 1983, हैसियत 1984, टक्कर मारना सीता रामलू का रीमेक 1980, जख्मी शेरो 1984, विजय मेजर विजय कुमार बाबुली पुली का रीमेक 1982, होशियार 1985, राकेश किराई राव रावलीडू का रीमेक 1981, बलिदान 1985, इंस्पेक्टर विजय बलिदानम का रीमेक 1982, हकीकत 1985, इंस्पेक्टर अर्जुन नीति भरतम का रीमेक 1983, पाताल भैरवी 1985, रामू पाताल भैरवी का रीमेक 1951, बांड 303 1985, अजय एजेंट 303, सरफरोश 1985, जवाला सिंह इंस्पेक्टर सूरज कपूर दोहरी भूमिका, सरदार पापा रायडू की रीमेक 1980, मेरे साथी 1985, रंगा रंगनाथी धर्मांडो का रीमेक 1983, संजोग 1985, नारायण जीवन ज्योति का रीमेक 1975, 1986 से 90 तक, जाल 1986, छोटे ठाकुर शशि प्रताप किराई दादा के रूप में रीमेक, धर्म अधिकारी 1986, प्रकार बाबिली ब्राह्मण का रीमेक 1984, आग और शोला 1986, विशाल उइरो लड़वराई उषा का रीमेक 1983, स्वर्ग से सुंदर 1986, सरपंच विजय चौधरी थल्ली पेमा का रीमेक 1986, सिंहासन 1986, विक्रम सिंह और आदित्य वर्धन दोहरी भूमिका सिंहासनम का रीमेक 1986, सुहागन 1986, राम बाबू एनकेयो केटा कुराल का रीमेक 1984, लॉकेट 1986, शंकर घर संसार 1986, प्रकाश मांगा महाराजू का रीमेक 1983, सदा सुहागन 1986, चंद्र राजशेखर दीर्घा सुमंगती का रीमेक 1974, दोस्ती दुश्मनी 1986, डॉक्टर संदीप कुमार मुगरू मित्रोलू का रीमेक 1985, ऐसा प्यार कहाँ ऐसे प्यार कहानी 1986, सागर रक्तबंधन का रक्त संबंध का रीमेक 1962, अपने अपने 1987, रवि कपूर मजाल 1987, विजय कुमार शरण सांधे का रीमेक 1986, ओला 1987, आनंद माँ बाबू का रीमेक, मददगार 1987, आनंद खुदगर्जी 1987, अमर सक्सेना प्राण सहनी तलु 1988 और अन्नामलाई 1992 के रूप में रीमेक, सिंदूर 1987, प्रेम कपूर सोमंगल के रूप में पुनर्निर्माण 1989, जान हथेली पे 1987, टक्कर मारना खजाना 1987, जादू आदमी अतिथि हिम्मत और मेहनत 1987, विजय कुमार पंचमी संसारम का रीमेक 1970, इंसाफ की पुकार 1987, अजय तमाचा 1988, राजू राजीव सिंह मुजलिम 1988, विजय कुमार मुदई का रीमेक, कंवरलाल 1988, कंवरलाल राजा वीते मकान का रीमेक 1986, सोने पे सुहागा 1988, विजय कुमार मर मिटेंगे 1988, टक्कर माना नई दिल्ली 1988, विजय कुमार वीके नई दिल्ली का रीमेक 1987, दावपेच 1989, सिकंदर और बजरंगी दोरी भूमिका रोस रोसगुडू का रीमेक 1989,
1983, आसमान से ऊंचा 1989, कृष्ण राजा नफरत की आंधी 1989, इंस्पेक्टर रवि कपूर सौतन की बेटी 1989, डॉक्टर श्याम शंकर वर्मा आग से खेलेंगे 1989, इंस्पेक्टर शेखर कसम वर्दी की 1989, इंस्पेक्टर विजय मजबूर 1989, अधिवक्ता रवि तकदीर का तमाशा 1990, सत्या देवी जहरीले 1990, कैप्टन जसवंत कुमार अमीरी गरीबी 1990, हीरा मुकत मलेनी महाराजू का रिमेक हातिम ताई 1990, हातिम ताई मेरा पति सिर्फ मेरा है 1990, प्रकाश एन पुरुषांथना एन कोको मोटोमाथन का रिमेक शेषनाग 1990, प्रीतम नाग नर नाग आज के शहंशाह 1990, विक्रम विक्की जय शिव शंकर 1990, शिव वर्था का रिमेक 1986, अग्निकाल 1990, विजय न्याय अन्य 1990, जस्टिस रवि खन्ना थानेदार 1990, इंस्पेक्टर अविनाश चंद्र माया ददरी कृष्णांडू का रिमेक 1980, शिवराम 1991, इंस्पेक्टर शिव सपनों का मंदिर 1991, संजय शर्मा रणभूमि 1991, सेना 1991, चंदन सिंह माँ 1991, राम खन्ना इंसाफ की देवी 1992, इंस्पेक्टर संतोष वर्मा जय काली 1992, एडवोकेट शिव शंकर ये रात फिर आएगी 1992, सीबीआई ऑफिसर सुनील मल्होत्रा दिल आसकान आसना है 1992, राजकुमार अर्जुन सिंह सोने की लंका 1992, मोहित रिश्ता तो हो ऐसा 1992, राजेश आज की औरत 1993, अविनाश कपूर गीतांजलि 1993, सागर प्रतीक्षा 1993, विजय कुमार भूकंप 1993, प्रोफेसर अजय सक्सेना बाजी 1993, अजय मल्होत्रा आदमी खिलौना है 1993, विजय वर्मा खलनायिका 1993, रवि कपूर आंसू बने अंगारे 1993, रवि वर्मा संतान 1993, सूरज नारायण चौकीदार सिरुगाड़ू का रिमेक 1992, तहकीकात 1993, पिता प्रेम फर्नांडिस और एसपी अरुण कुमार दोहरी भूमिका पोस्टमार्टम का रिमेक 1982, चूरहा 1994, इंस्पेक्टर कैलाश कुमार पापी देवता 1994, डीसीपी राम कुमार सिंह उधार की जिंदगी 1994, सीताराम सीतारमैया नागरी मानव रलू का रिमेक 1991, घर की इज्जत 1994, डॉक्टर सोहन कुमार कुलदेवम का रिमेक बेगुना 1994, गौतम जन्म कुंडली 1994, 95, रवि कुमार जमाना दीवाना 1995, मदन लाल मल्होत्रा हम सब चोर हैं 1995, एसपी रवि कुमार कलयुग के अवतार 1995, प्रताप 1996 से वर्तमान तक दुश्मन दुनिया का 1996, महेश जज मुजरिम जज प्रताप सिन्हा महंत कश्मीर कमिश्नर विजय कपूर लव कुश 1997, भगवान श्री राम कृष्ण अर्जुन कृष्णा धर्म करम करम शिव कपूर चुप राकेश राय अशोक तारका का रिमेक माँ 1999, सुनील मलिक जयदेव 2001, इंस्पेक्टर जनार्दन पुजारी कुछ तो है कुछ रवि कपूर क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2003, जितेश कोठारी विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थित होना टीवी सीरीज कहानी घर घर की वैसे विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थित होना जी टीवी टीवी सीरीज
हो जाता है प्यार 2006, रवि कपूर गब्बर सिंह 2006, ठाकुर भोजपुरी फिल्म शांति 2007, वह स्वयं विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थित होना महाभारत और बर्बरीक 2013, वह स्वयं कैमरियो बारिश 2020, जी तो भाई अल्ट बालाजी पर वेब सीरीज स्ट्रीमिंग। तो इस तरह जो है इन जितेंद्र ने इन सभी फिल्मों में अभिनय किया है और अपने अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन किया है और दर्शकों के बीच जो है अपनी खास जगह बनाई है और इन्हें जो है दर्शक जो है इन्हें पसंद भी करते थे। इन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और ज्यादातर जो है इन्हें इन्होंने रीमेक फिल्मों में अभिनय किया है और इनमें जो है इनके साथ जिन अभिनेत्रियों ने काम किया वह श्रीदेवी और जयप्रदा ने रीमेक फिल्मों में इनके साथ अभिनय किया है और इन्हें जो है कुछ पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है और वो से इन्होंने 121 से अधिक फिल्मों में जो है असफल फिल्मों में अभिनय किया है और इनके अभिनय से इन्हें आज भी जाना जाता है और यह दर्शकों के बीच जो है आज भी मौजूद है और इनकी फिल्मों को दर्शक आज भी पसंद करते हैं और ये इन्होंने अपने मनोरंजन से दर्शकों का अपनी फिल्मों से दर्शकों का मनोरंजन करने में यह सफल रहे। वर्धन असरानी, इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1940। उन्हें आमतौर पर असरानी के नाम से जाना जाता है। यह एक भारतीय अभिनेता और निर्देशक है जिनका बॉलीवुड करियर 5 दशकों तक फैला है। उन्होंने 350 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है। असरानी ने मुख्य नायक, चित्रित भूमिका, हास्य भूमिका और सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। उन्होंने शोले में जेलर के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने 25 फिल्मों में राजेश खन्ना के साथ 1972 से 1970 के बीच में मुख्य भूमिका निभाई थी। जन्म गोवर्धन असरानी, 1 जनवरी 1940, उम्र 82, जयपुर, जयपुर राज्य, ब्रिटिश भारत। अल्मा मेटर राजस्थान कॉलेज, FTII पुणे। पेशा अभिनेता निर्माता। सक्रिय वर्ष 1969। वर्तमान जीवन साथी मंजू असरानी। पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्मों में उन्होंने 1966 से 2013 तक हास्य अभिनेता भूमिका और 1972 और 1990 फिल्म में मुख्य नायक के करीबी दोस्त के रूप में सहायक भूमिका निभाई है। कुछ हिंदी फिल्में जैसे चल मुरारी हीरो बने, सलम बेमिसाल में उन्होंने मुख्य नायक की भूमिका निभाई। गुजराती फिल्मों में उन्होंने 1972 से 1984 तक मुख्य नायक की भूमिका निभाई। 1984 में 2012 तक चित्रित भूमिकाएं निभाई और 1997 के बाद 6 फिल्मों में निर्देशन भी किया। प्रारंभिक जीवन, असरानी का जन्म जयपुर के मध्यवर्गीय सिंधी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता एक कालीन की दुकान खोली। उसकी 4 बहनें और 3 भाई हैं, 2 बड़े 1 छोटी। असरानी को व्यापार में कोई दिलचस्पी नहीं थी, गणित में कमजोर था। उन्होंने सेंट जोसेफ स्कूल में मैट्रिक की पढ़ाई की और राजस्थान कॉलेज जयपुर में स्नातक की पढ़ाई पूरी करी। उन्होंने अपने शिक्षा के भुगतान के साथ ऑल इंडिया रेडियो जयपुर की आवाज कलाकार के रूप में काम किया। उन्होंने अभिनेत्री मंजू बंसल से शादी की, जिनकी आज ताजा खबर और नमक हलाल जैसी साथ काम करने के दौरान प्यार हुआ था। शादी के बाद उन्होंने तपस्या, चांदी सोना, जान ए अबा, जुर्माना लायक, सरकार महान, चोरों सिपाही में अभिनय किया। आज का ताजा खबर, मरसानी ने चंपक भूमिया, अमित देसाई और मंजू ने केसरी देसाई के साथ भूमिका निभाई। इस भूमिका में उन्होंने अरसानी सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। बाद में इस जोड़ी ने हम नहीं सुधरेंगे में अभिनय किया। 1990 में असरानी द्वारा निर्देशित होम प्रोडक्शन।
आजीविका, उन्होंने 1972 तक सहित कलाभाई टक्कर अभिनय सीखना शुरू किया। 1962 में उन्होंने अभिनय के अवसरों की तलाश मुंबई की यात्रा की। 1963 में किशोर कुमार, किशोर साहू और श्री कृष्ण मुखर्जी के साथ आवश्यक मुलाकात पर उन्होंने उनके पेशावर अभिनय सीखने की सलाह दी। 1964 में पुणे के फिल्म संस्थान में प्रवेश लिया और 1966 में अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपना पहला ब्रेक 1967 को हरे कांच की चूड़ियां में अभिनीत बहुजीत की दोस्ती भूमिका में मिला। फिल्म संस्थान उन्हें कई लोग को प्रभावित किया और बनाया नवगीत अभिनेता वहीदा रहमान नहीं हिंदी अभिनेत्री के साथ एक गुजराती फिल्म एक नायक के रूप में उन्होंने अभिनय को तोड़ दिया। 1967 में 1969 तक चार अन्य गुजराती फिल्मों में काम किया। उन्होंने 1967 से 1969 के बीच में हिंदी फिल्म उद्योग में प्रस्ताव नहीं मिले। उनके पुराने सलाहकार हृषिकेश मुखर्जी ने उन्हें भूमिका दी। फिल्म सकारात्मक सत्यकाम में सहायक अभिनेता 1969 में उन्हें फिर मेरे अपने में देखा गया। 1971 में फिल्मों में मुख्य हास्य अभिनेता के या मुख्य अभिनेता के करीबी दोस्त के रूप में अधिक प्रस्ताव मिलने लगे। मुखर्जी आत्माराम और गुलजार जैसे निर्देशकों ने उन्हें 1971 से 1974 की अवधि में बार बार कास्ट किया। इन फिल्मों में माध्यम में उनके काम पर ध्यान दिया गया। इन भूमिकाओं के माध्यम कैरियर की कई सहायक और हास्य भूमिकाओं के लिए टोन सेट किया। 1970 के दशक में उनकी मांग पहले चरम पर थी क्योंकि वह 1970 से 1979 तक 101 फिल्म में दिखाई दी। हालांकि शुरुआत में राजेश खन्ना और सोनी की मुलाकात केवल बाबाचारी के सेट पर, लेकिन नमक हराम के बाद करीबी दोस्त बन गए। बाद में कॉमेडियन के रूप में राजेश खन्ना जोर देकर कहा कि निर्माता निर्देशक सोनी को अपनी फिल्मों में हिस्सा बनाए। और सोनी खन्ना के साथ 1972 से 1991 तक बावर्ची से घर परिवार तक 25 फिल्मों में दिखाई दिए। 1970-1979 तक सहायक अभिनेता के रूप में सबसे यादगार कृति में मेरे अपनी कोशिश, बावचारी, परिचय, अभिमान, महबूबा, पलकों की छाव में, दो लड़के दो कद्दे, बंदिश। और उन्होंने 1977 में लिखे और निर्देशित एक फिल्म चलना मुरारी हीरोबन्ने में मुख्य नायक की भूमिका निभाई, जिसमें समीक्षा द्वारा सराहा गया। 1970 में कॉमेडियन के रूप में उन्होंने उल्लेख भूमिका आज की ताजा खबर, रोटी, प्रेम नगर, चुपके चुपके, छोटी सी बात, रफू चक्कर, शोले, बालिका वधू, फरीकार, अनुरोध, शैला बापू, चरस, फांसी, दिल्लागी, दिल्लागी में है, वरना लाल, पति पत्नी और वो हमारे तुम्हारे। हालांकि उन्होंने कई सहायक किरदार निभाया था, लेकिन उन्होंने पहली बार खून पसीना में गंभीर भूमिका निभाई। उन्होंने कोशिश को दुष्ट भाई की भूमिका, एलविन प्रसिद्ध को बधाई में हैप्पी ग्रामीण दो दोहरी भूमिका, ऋषिकेश मुखर्जी की चोटली में बड़े बीड़ी गंदे स्ट्रिपिंग गंजर जैसी भूमिका निभाई। एक रोमांटिक थी बी आर चोपड़ा की नेहा निकाह, जिन्हें पुराने अभिनेता यकूब की तरह कवल्ली गई, और केस प्रकाश की प्रेम नगर में दलाल की भूमिका निभाई। बाद में अब क्या होगा तेरी मेहमानिया में विरोध भूमिका निभाई। 2070 में एक दशक में उनकी काफी चर्चा हुई और वह राजेश खन्ना के करीबी दोस्तों में से एक थे। वह डी रेमनोडन द्वारा निर्मित और हरिकेश मुखर्जी BHR के पपैया निवारण दूसरी के रविंद्र राव बसु चटर्जी द्वारा 1972 से 1992 तक निर्देशित फिल्मों में नेत विशेषता बन गई। उन्होंने 1974
कि ताजा खबर से 1977 तक बालिका वधू में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य 1974 में असरानी ने गुजराती में अपनी पहली फिल्म को नायक के रूप में निर्देशित किया और किशोर कुमार द्वारा गाया गया गीत हो अहमदाबाद नो रिक्शा रिक्शा लो असरानी पर चित्रित किया गया था। असरानी पर फिल्माए गए और किशोर कुमार द्वारा हिंदी में गाए गए गाने हमारे तुम्हारे से अच्छा चलो जी बाबा माफ कर दो, ये कैसा इंसाफ से प्यार मैं करूँगा है मन्नू भाई मोटर चली पम पम उनके द्वारा किशोर कुमार के साथ गाया गया था। और 1978 में फूल खिले गुलशन गुलशन में ऋषि कपूर और उन पर फिल्माया गया था। 1980 के दशक में उन्होंने 107 हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। असरानी के नाम एक दशक में सबसे अधिक हिंदी फिल्मों में चित्रित अभिनेता हास्य अभिनेता के रूप में प्रदर्शित होने वाला का रिकॉर्ड है। 1970 के दशक में 101 और 1980 के दशक में 107। 1970 से अधिक 1984 में उनकी भूमिका के विपरीत जो कथानक के लिए महत्वपूर्ण थे। 1985 से 1993 तक उनकी अधिकांश भूमिकाएं बहुत मामूली थी, मुख्य मुख्यतः क्योंकि एक हास्य अभिनेता की असाधारण को अवधारणा को चरणाबद्ध किया गया था और नायक अपनी कॉमेडी करना पसंद करते थे और एक्शन फिल्मों में अधिक लोकप्रिय थी। 1985 से 1994 की अवधि में 1980 के दशक में उनकी यादगार प्रदर्शन हमारी बहुअल का एक ही बोल ये कैसा इंसाफ काम चोर अगर अगर तुमने होते आशा ज्योति मकसद मेहनत काम लूंगा थे न, लव 86 और बीवी हो तो ऐसी। दक्षिण भारतीय प्रोडक्शन हाउस द्वारा निर्मित फिल्मों में और ताती नेनी रामा राव के राघवेंद्र राव के बपैया नारायण राव दासरी द्वारा निर्देशित फिल्मों में असरानी कादर खान शक्ति कपूर की तिगड़ी 1982 से 1999 तक नियमित थी और इसे बढ़ावा मिला। तीनों की लोकप्रियता 1982 में असरानी ने साथी कलाकारों दिनेश सिंह हिंगू हरीश पटेल और सलीम परवेज सिद्धि सहायक प्रसिद्ध सहायक अभिनेता यूसुफ परवेज के बेटे के साथ एक छोटी गुजराती प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की। कंपनी 1996 में बड़े पैमाने लाभ के साथ भंग हो गई। असरानी ने मुख्य रूप से कपड़े में भी निवेश किया और 1999 तक अन्य अभिनेताओं के लिए निवेशक के रूप में काम किया जब तक कि उन्होंने बहुत सारा पैसा खो दिया। 1988 से 1993 तक वह पुणे में फिल्म संस्था के निर्देश 1990 के दशक में उन्होंने केवल 73 हिंदी फिल्मों की क्योंकि उनके पास प्रदर्शन करने की अच्छी गुंजाइश नहीं थी। मुकाबला 1993 ने उन्हें लंबे समय के बाद एक गंभीर भूमिका में देखा। इसके साथ ही उन्होंने 1970 और 1980 के दशक में एक प्रमुख नायक के रूप में गुजराती फिल्मों में काम करना जारी रखा और अहमदाबाद नो रिक्शा लो सात कैदी संसार चक्र पंकी नो मालो जुगल जोड़ी बाप चेल छेल छबीलो गुजराती में मुख्य नायक के रूप में सफलता हासिल की। 1990 के दशक में उन्होंने मोटा घर निवाहो पीयू गया परदेस और बाप धमाल भी दिखला जैसे गुजराती फिल्मों में एक हास्य अभिनेता सहायक अभिनेता के रूप में भूमिका निभाई। नी रामा नेदू ने 1995 में तकदीरवाला में असरानी को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी और एक बार फिर वहां से कॉमेडी फिल्में बनाई जा रही थी। असरानी को 1993 से 1912 तक डेविड धवन और प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्मों में अच्छी भूमिकाएं मिलने लगी। 1990 के दशक में एक कॉमेडियन के रूप में उनका सबसे यादगार अभिनय जो जीता वह सिकंदर गर्दिश तकदीरवाला घरवाली बाहरवाली बड़े मियाँ छोटे मियाँ और हीरो हिंदुस्तानी हैं। 2000 के दशक में असरानी ने हेरा फेरी चुप चुप के हलचल दीवाने हुए पागल गरम मसाला माला माल के लिए भागम भाग दे दना दन बोल बच्चन और कमाल धमाल माला माल जैसी कई फिल्मों में देखा गया।
वैकयोकी में एक गंभीर भूमिका में दिखाई दी। 2000 के बाद साजिद नाडियावाल और प्रियदर्शन द्वारा कॉमेडी का एक अभिन्न अंग हिस्सा थे। रोहित शेट्टी और अन्य की फिल्मों में उनकी स्क्रीन सस्पेंस 2009 के बाद धीरे धीरे कम हो गई थी। असरानी और मल्लिका शेरावत 17 और 2010 को न्यूजर्सी में 18वीं वार्षिक नए अंदाज प्रतियोगिता के निर्णायक थे। असरानी ने 2018 में लोकप्रिय वेब श्रृंखला परमा अनेट रूममेट्स के मेकेस के दादा की भूमिका निभाई और यहाँ तक कि 2019 में विज्ञापन में भी दिखाई दिए। उन्होंने सीरियल पार्टनर्स ट्रबल हो गई डबल में डीजीपी पुलिस महानिदेशक की भूमिका निभाई। चयनित फिल्मोग्राफी अभिनेता के रूप में 2021 बंटी और बबली 2 में देहरी सिंह, 2020 इट्स माई लाइफ अभिषेक के दोस्त के पिता, 2018 यमला पगला दीवाना फिर से नानो, स्थाई रूममेट्स मुकेश के दादा वेब सीरीज, 2016 मस्ती ज्यादे लैला और लिली के पिता, मुरारी द जेंटलमैन मुखिया, सल्लू की शादी, 2015 दिल लगी ये दिल लगी, इश्क का मंजन संता, 2014 18-11 गोपनीयता की एक संहिता है, बिल्डर पहलवान, आर राजकुमार पंडित, 2013 हिम्मत वाला, टिकट चेकर, जोकर, मास्टर जी, 2012 कमाल धमाल माला माल पुजारी, बोल बच्चन शास्त्री, एजेंट विनोद, रामलाल, 2011 अंगरक्षक शेखर, खट्टा मीठा करोड़ीमल, 2010 दस तोला, सरपंच पेंगेस्ट, किसका मिलगानिक, 2009 दे दना दन मामू, शुभकामनाएं, विदा के पिता, करजो, कॉलेज प्राचार्य, 2008 बिलू, नौबत चाचा, याराना पंजाबी फिल्म, आपका स्वागत है निर्माता, 2007 भूल भुलैया मुरारी, धमाल, नारी ठेकेदार, ढोल पंकज के साले, मूर्ख और अंतिम लालवानी, भागम भाग कार्यक्रम प्रबंधक, 2006 माला माल विक्री, चौके, चुप चुप के शर्मा जी, दीवाने हुए पागल, अंधा आदमी, गरम मसाला, मामू, पिंजर, लियो अंग्रेजी फिल्म, 2005 ऐलान, किशोरी लाल, इंसान, फिल्म निर्देशक, क्योंकि शरण रोगी, हलचल, एडवोकेट मिश्रा, एक से बढ़कर एक डांस, श्रीकांत राम प्रसाद, 2000 सुनो ससुर जी, मुरली मुरली के व्यवस्था, पिताजी, मुंबई मेटनी, प्यारे लाल, 2003 बागबान, बेदी सब सरदार, तुझे मेरी कसम, काशीनाथ दीक्षित, तो दिल विल प्यार व्यार, चंद्रू, अखियों से गोली मारे, टोपी चंद के साले, 2002 आवारा पागल, दीवाना, चंपक लाल, एक और विस्फोट, डॉक्टर डेनियल, 2001 आदमी अठन्नी, खर्चा रुपया, झुमरी के बॉस, ये तेरा घर ये मेरा घर, चंडी रामा निलंजा, गुलाब चंडी, आगरा गुल्लू, कारोबार चंपक, चल मेरे भाई, पारिवारिक चिकित्सक, 2013 जादू चलेगा, कंपनी के मालिक, हेरा फेरी, बैंक मैनेजर, मेले, काका बनवारी बनिया, राजा कुमरुदो, पुलिस वाला, हसीना मान जाएगी, जमुना दास, 1999 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, पायल का बॉस, हीरा लाल, पन्ना लाल, हवलदार, चौरसिया, माँ, छोकरा, मेहंदी, तोला नी, हीरो हिंदुस्तानी, कमरून, जल्दबाजी, हंसते, 1998 बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुरक्षा अधिकारी, दूल्हे राजा, इंस्पेक्टर अजय सिंह, घरवाली बाहरवाली, डॉक्टर वेदो, 1995 तकदीर वाला, चित्रगुप्त, मुकाबला, सोनी के पति, 1993 दिल तेरा, आशिक, नटवर वाले, जो जीता वही सिकंदर, दुबे जी, शिक्षक, 1992 पुलिस अधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टर शर्मा, लत साहब, 1990 आज का अर्जुन, चिक्को, मुकद्दर का बादशाह, धामदी लाल, 1985 तेरी मेहरबानी मुनीम, बनवारी लाल, 1984 ये इक्स नहीं आसान, जमाल, 1993 मत वाला भूषण, निकाह सैफ, 1982 सितम, आपकी बात भोला, आस पास, जय किशन, एक दूजे के लिए जी, हरी बाबू, 1981 एक ही भूल, मनोहर प्रसाद संसद, कहानी एक चोर की, कांति लाल, मेरी आवाज़ सुनो बहादुर,
जमाने को दिखाना, शराबी अतिथि उपस्थिति, समझौता दिलीप, कुंचन दो, 1980 जलती ट्रेन, कर्नल पी के भंडारी, हम नहीं सुधरेंगे, अहिंसा, बेटन बेटन में, फ्रांसीसी फर्नांडीज, डोंगी माइकल यॉर्क, दो हवलदार, भोला राम, दो लड़के दोनों कद के, राम हमारे तुम्हारे गोरी, 1979 जाने बहार, जुर्माना, नंदलाल चतुर्वेदी, कनाडा में प्यार बंसी, नालायक, लल्लू कुमार, लल्ला सन मेम साहब, सलाम मेम साहब, करना अलग करना, निदेशक सरगम, गोपी, पति पत्नी और अब्दुल करीम दुरानी, 1917 बदलते रिश्ते, अनूप चंद्र ठाकुर, अलाप, गणेश, गणेश जी, 1977 चला मुरारी हीरो बनने, मुरारी निदेशक, कालाबाज, जंगू, तपस्या, विनोद सिन्हा, 1976 बालिका वधू, शरद, मिली शराबी अतिथि उपस्थिति, छोटी सी बात, गणेशो, 1975 प्रभु चक्कर, कन्हैया चतुर्वेदी, शोले, जलीक, चुपके चुपके, प्रशांत श्रीवास्तव, विदाई, मुरली भास्कर, 1974 अजनबी, चेतन कुमार, आपकी कसम, डॉक्टर घर घर, सिंहवाला, नमक, राम ढोंगू श्याम का भाई, 1973 अभिमानी, चंदर कृपाला, कृपल कृपालिनी, अनामिका, हनुमान सिंह, परिचय, नारायण, बावर्ची, विश्वनाथ शर्मा बाबू, 1970 सुसीता और गीता, हंसते हुए डॉक्टर, कसी सोच, कन्नू, पिया का घर, 1971 मेरे अपने, रघुनाथ, नाती, गुड्डी, कुंदन, 1969 सतह कामो, पीटर, उमंग, 1967 हरे कांच की चूड़िया, त्रिपाठी, निदेशक के रूप में, 1974 अहमदाबाद, नो रिक्शालो, गुजराती, 1977 चला मुरारी हीरो बनने, हिंदी, 1979 सलाम मेम साहब, हिंदी, 1980 हम नहीं सुधरेंगे, हिंदी, 1992 दिल ही तो है, हिंदी, 1997 उड़ान, हिंदी, गायक के रूप में, 1977 अलाप, बिनाती सुन ले धनिक, ओ रामदार, रामदार लगे अपनी उमरिया से, 1979 फूल खिले गुलशन, गुलशन, मुन्नू भाई मोटर चली, पम पम, किशोर कुमार के साथ, पुरस्कार, 1973 अनहोनी, सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए सुषमा पुरस्कार जीत लिया, अभिमान, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मनोनीत, 1974 आज की ताजा खबर जीत लिया, नरक हराम मनोनीत, 1975 चोर मचाए शोर मनोनीत, विदाई मनोनीत, रफू चक्कर मनोनीत, 1976 शोले मनोनीत, छोटी सी बात, हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मनोनीत, 1977 बालिका वधू, हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनय प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीत लिया, 1979 पति पत्नी और वो मनोनीत, 1980 सरगम मनोनीत, 1981 हम नहीं सुधरेंगे मनोनीत, 1982 एक दूजे के लिए मनोनीत, असरानी ने गुजराती भाषा की फिल्म सात कैदी के लिए गुजरात राज्य सरकार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी जीता, आवाज कलाकार के रूप में असरानी ने हिंदी भाषा में ऑडियो में द लायन किंग 2009 फिल्म में जादू के किरदार के लिए अपनी आवाज भी दी, इस तरह जो है असरानी ने हिंदी फिल्मों में बहुत से फिल्मों में अभिनय किया है और इन्हें एक हास्य अभिनेता के रूप में जाना जाता है, इन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ गुजराती फिल्मों में भी अपना अभिनय किया है और यह हिंदी और गुजराती अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में अभिनय किया और अपने अपने के हास्य अभिनय के लिए यह आज भी जाने जाते हैं, 82 वर्ष की उम्र के हैं और यह हास्य कलाकार के रूप में जाना जाता है। मदन पुरी हिंदी और पंजाबी फिल्मों के एक भारतीय अभिनेता थे, उनके भाई अभिनेता अमरीश पुरी थे, मुख्य रूप से नकारात्मक भूमिकाओं, खलनायक के रूप में, एक चरित्र अभिनेता के रूप में उन्होंने 50 साल से अधिक के करियर में लगभग 430 फिल्मों में अभिनय किया। इनका जन्म मदन लाल पुरी 30 सितंबर 1915 को नवांशहर पंजाब ब्रिटिश भारत में, इनकी मृत्यु 13 जनवरी 1985 को
69 वर्ष की उम्र में मुंबई महाराष्ट्र में। वैसा अभिनेता सक्रिय वर्ष 1940 से 1985, जीवन साथी शीला देवी पुरी, बच्चे परवेश पुरी, पुत्र लेफ्टिनेंट कर्नल द कमलेश के पुरी, पुत्र अमनेश पुरी व पुत्र अभिभावक निहाल चंद पुरी वेद कौर, रिश्तेदार मिचौन पुरी भाई, अमरीश पुरी भाई, हरीश लाल पुरी भाई, चंद्रकांता मेहरा बहन, एक के एल सहगल पहला चचेरा भाई। प्रारंभिक जीवन। मदन लाल पुरी का जन्म पंजाब के नवांशहर में एक पंजाबी हिंदू परिवार में निहाल चंद पुरी और वेद कौर के घर हुआ था। उन्होंने राहुन में अध्ययन किया। वह बड़े भाई चमन पुरी, छोटे भाई अमरीश पुरी और हरीश लाल पुरी और छोटी बहन चंद्रकांता मेहरा के सात पास बच्चों में से एक थे। वह गायन सनसनी कुंदन लाल सहगल के चचेरे भाई थे। कैरियर 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में पूरी भारतीय फिल्म उद्योग में प्रमुख में से एक थे। वह गायक के एल सहगल के पहले चचेरे भाई थे, जिनकी मदद से उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना शुरू किया। एक बार पूरी एक स्थापित स्टार एक बार पूरी अपने एक स्थापित स्टार थे। उन्होंने अपने भाई अमरीश पुरी के लिए भी यही काम किया। उन्होंने फिल्मी दुनिया में खुद को स्थापित करने में मदद की। पुरी का अभिनय कैरियर 1940 से 1980 के दशक के मध्य तक 40 वर्षों में फैला था। उन्होंने 430 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उनकी पहली फिल्म का शीर्षक 1946 में अहिंसा था। मदन ने खलनायक और नकारात्मक चरित्रों को और नायक का या नायिका के चाचा, पिता या बड़े भाई, दादा, पुलिस अधिकारी और राजनेता की भूमिका निभाते प्रतिवर्ष औसतन 8 फिल्में बनाई। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में एक पंजाबी फिल्म में अभिनय किया, जैसे कि जट्टी जट पंजाबी और इसी तरह। 1985 में 69 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। वह मुंबई में मटुंगा में आरपी मसानी रोड के निवासी थे, जिसे पंजाबी गली के नाम से जाना जाता है, जिसमें उस युग के अन्य अभिनेताओं के साथ कपूर भी शामिल थे। उनकी मृत्यु के बाद 1989 तक कई फिल्में रिलीज हुई, जिसमें उनका अंतिम नाम संतोष था। व्यक्तिगत जीवन। पुरी की पत्नी शीला देवी पुरी वडेरा की उन्हें कुछ साल बाद मृत्यु हो गई। उनके बेटे लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर कमलेश के पुरी ने मदन पुरी के जीवन और समय के बारे में 2015 में माई फादर द विलेन शीर्षक के रूप में एक किताब प्रकाशित की। उनका जन्म की 100वीं वर्षगांठ पर। चयनित फिल्मोग्राफी। खजांची 1941, मेरी बहन 1944, अहिंसा 1946, सोना 1948, विदा 1948, हरी लाल हरी के रूप में, दिल की दुनिया 1949, जीत 1949, रतन के रूप में, नमूना 1949, सिंगार 1949, अनमोल वचन 1950, मदारी 1950, पंजाबी मूवी अदान 1951, नादान 1951, दीवाना 1952, गूंज 1952, राग रंग 1952, मुन्ना 1954, श्री चैतन्य महाप्रभु 1954, भागवत महिमा 1955, जनक जनक पायल बाजे 1955, आबरू 1956, हीर 1956, बारिश 1957, एक साल 1957, मिर्जा साहिबा 1957, समीरी के रूप में, 9/2/11 1957, राधे श्याम के रूप में, दिल्ली का ठग 1958, बिहारी के रूप में, जॉन चौंग के रूप में, हावड़ा ब्रिज 1958, कभी अंधेरा कभी उजाला 1958, तकदीर 1958, ट्रॉली ड्राइवर 1958, इंसान जागुटा 1959, मोहन सिंह के रूप में, मानो के रूप में, कन्हैया 1959, नई राय 1959, चौधरी करनेल सिंह 1960, बूटा सिंह के रूप में, जाली नोट 1960, काला बाजार 1960, गणेश के रूप में, कीकली 1960, सिंगापुर 1960, चौंग के रूप में, गुड्डी 1961, नंबरदार पंजाबी के रूप में।
प्यार का सागर 1969, तेल मालिश बूट पॉलिश 1961, 20 साल बाद 1962, डॉक्टर पांडे के रूप में, चाइना टाउन 1962, राखी 1962, चौधरी भगवान दास के रूप में, गहरा दाग 1963, गोदान 1963, शिकारी 1963, सुनहरी नागिन 1963, एक राज 1963, चुन्नी लाल के रूप में, आई मिलन की बेला 1964, रतन लाल के रूप में, चाचा चा 1964, कश्मीर की कड़ी 1964, श्याम लाल के रूप में, कोहरा 1964, बॉम्बे में मिस्टर एक्स 1964, जिद्दी 1964, मोती के रूप में, गुम ना नामम 1965, डॉक्टर आचार्य के रूप में, मोहब्बत इसे कहते 1965, नीला आकाश 1965, अब्दुल के रूप में, शहीद 1965, जेलर के रूप में, वक्त 1965, बलबीर के रूप में, लव इन टोक्यो 1960, आशा के अंकल के रूप में, मैं वही हूँ 1966, जगदीश के रूप में, फूल और पत्थर 1966, बॉस के रूप में, सावन की घटना 1966, लीमो के रूप में, ठाकुर जरनेल सिंह 1966, आग 1967, कल्लू सिंह के रूप में, आमने सामने 1967, बहारों के सपने 1967, रंजीत के रूप में, गुनेगार 1967, हमराज 1967, कप्तान के रूप में, राजेश के दोस्त, बॉम्बे में जोहर 1967, गोपाल के रूप में, शागिर्द 1967, उपकार 1967, चरणदास के रूप में, आके 1967, कप्तान के रूप में, दुनिया 1968, है मेरा दिल 1968, हम साया 1968, जुआरी 1968, इत्तेफाक 1969, लोक अभियोजक खन्ना के रूप में, आराधना 1969, जेल वार्डन के रूप में, आदमी अनुसार 1969, संबर वाली के रूप में, प्यारी प्यार 1969, दीनदयाल के रूप में, उस रात के बाद 1969, मौसम प्यार का मौसम 1969, शंकर के रूप में, शतरंज 1969, कामरेड चांग के रूप में, तलाश 1969, पीटर के रूप में, द ट्रेन 1970, योगी के रूप में, नंबर एक, आग और दाग 1970, बदन लाल के रूप में, भाई भाई 1970, चोरों का चोर 1970, देवी 1970, जोगिंदर के रूप में, कटी पतंग 1970, विष्णु प्रसाद के रूप में, माई लव 1970, प्रेम पुजारी 1970, चांगी के रूप में, पूरा पर पश्चिम 1970, प्रीति के पिता के रूप में, यादगार 1970, मदन सिंह के रूप में, अमर प्रेम 1971, कारवा 1971, मितलाल तोता के रूप में, काल एक पहली 1971, शंकर लाल के रूप में, एला 1971, श्री वर्मा के रूप में, गुड्डी 1971, लंबरदार के रूप में, हाथी मेरे साथी 1971, रतन लाल के रूप में, महेश जेटली के रूप में, हलचल 1971, लाखों में एक 1971, जगू के रूप में, नादान 1971, मंगू के रूप में, पारस 1971, ठाकुर पृथ्वी सिंह के रूप में, रखवाला 1971, संजोग 1971, शिवदयाली के रूप में, राम उस्ताद 1971, वो दिन याद करो 1970, अपना देश 1972, सत्यनारायण के रूप में, अपराध 1972, जर्मन डॉक्टर के रूप में, दास्तान 1972, डबल क्रॉस 1972, मगन भाई के रूप में, गोरा और काला 1972, राजा जोरावर सिंह अनुराधा के पिता के रूप में, मधुसूदन गुप्ता के रूप में, हीर हार जीत 1972, जानवर इंसान 1970, गोकुल चंदा के रूप में, समाधि 1972, जग्गू के रूप में, सजा 1972, चंदा मामा के रूप में, सहजादा 1972, शोर 1972, कारखाने के मालिक के रूप में, तिथि भूमिका, वफा 1972, जमींदार के रूप में, बदनलाल डोगरा के रूप में, जोशीला 1973, लोफर 1973, मिस्टर पुरी के रूप में, धुंड 1973, इंस्पेक्टर जोशी के रूप में, बड़ा कबूतर 1973, गफूर के रूप में, बड़े हाथ 1973, सामू के मेंटर के रूप में, ब्लैकमेल 1973, डॉक्टर खुराना के रूप में, दाग प्यार की एक कविता 1973, केसी खन्ना के रूप में, धर्म 1973, मंगल सिंह के रूप में, गद्दार 1973, नफत 1973, नया नशा 1973, अनुराग 1973, अमीर चंदो के रूप में, मजबूर 1973, महिपत राय के रूप में, बेनाम 1974, गोपाल के रूप में, अजनबी 1974, मिस्टर एम पुरी के रूप में, जब आधा होता है
अंधा होता है 1974, सेठ जमुना दास के रूप में चोर मचाए शोर 1974, विदाई 1974, धर्मदासी के रूप में मनोरंजन 1974, पुलिस निरीक्षक के रूप में प्राण जाए पर वचन न जाए 1974, जगमोहन के रूप में रोटी कपड़ा और मकान 1974, नेकी राम के रूप में जहरीला इंसान 1974, धर्मात्मा 1975, डाकू मान सिंह के रूप में जमीर 1975, दफा 320 दफा 302 1975, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या की धारा, पुलिस महानिरीक्षक के रूप में दीवार 1975, सामंत के रूप में सोहन सिंह के रूप में गीत गाता चल 1975, पोगा पंडित 1975, संभुनाती के रूप में रफू चक्कर 1975, प्रकाश के रूप में रफ्तार 1975, जैक्सन के रूप में साजिश 1975, वारंट 1975, प्रोफेसर अशोक वर्मा के रूप में चमनलाल के रूप में फकीरा 1976, महबूबा 1976, सरदार के रूप में भंवर 1976, जॉन प्रिंसेस अजानी के रूप में सज्जन कुमार, सज्जन के ससुर के रूप में आज का ये गण 1976, आप बेटी 1976, बहरागढ़ 1976, दाज 1976, कालीचरण 1976, जागीर के रूप में खलीफा 1976, आईना 1977, एम बी पाटिल के रूप में चक्कर पे चक्कर 1977, दरिंदा 1977, दिलन वही जो किया मन भाई 1977, कसम खून की 1977, राम भरोसा 1977, बॉस के रूप में सीढ़ी के साई बाबा 1977, रणवीर सिंह के रूप में उदय के पिता के रूप में विश्वघात 1977, घर 1978, विकास के पिता के रूप में आहुति 1978, हीरालाल के रूप में अक्यू के झरोके में 1978, मिस्टर माथुर अरुण के पिता के रूप में चोर होता ऐसा 1978, चिना रामू रामू के रूप में हीरालाल पन्नालाल 1978, नायडू 1978, स्वर्ग नरक 1978, लाल चंदा के रूप में पुखराज के रूप में विश्वनाथ 1978, बदमाशों का बदमाश 1979, राधा और सीता 1979, द ग्रेट गैम्बलर 1979, रतन दास के रूप में गौतम गोविंदा 1979, बाघा के रूप में और कौन 1979, जाने बाहर 1979, अजीत के मामा के रूप में जाने दुश्मन 1979, अंधे वैद्य रेशमा के पिता के रूप में जाट पंजाबी 1979, मुकाबला 1979, नूरी 1979, लाला कमरचंदो के रूप में आप तो ऐसे ना थे 1980, हम कदम 1980, हरिप्रसाद के रूप में फातिमा के पिता के रूप में अलीबाबा और 40 चोर 1980, अब्दुल्ला 1980, सैन्य कमांडर के रूप में बंदिश 1980, द बर्निंग 1980, अशोक के पिता के रूप में एक बार को 1980, डॉक्टर पुरी रंजीत के रजनी के पिता के रूप में एक गुना और से 1980, जुदाई 1980, मिस्टर दुबे के रूप में पपीता 1980, शोएब 1980, माखन लाल के रूप में ये कैसा इंसाफ 1980, खुदा कसम 1981, किशन लाल अतिथि उपस्थिति के रूप में प्रेम गीत 1981, मिस्टर भारद्वाज के रूप में दूल्हा बिकता है 1981, दहशत 1981, समीर के पिता के रूप में इतनी सी बात 1981, दरबारी लाल के रूप में मदनपुरी के रूप में मंगलसूत्र 1981, क्रांति 1981, शेर सिंह के रूप में नाखुदा 1981, जगन्नाथ गुप्ता के रूप में पूनम 1981, ठाकुर किशन सिंह के रूप में प्यासा सावन 1981, प्रभुदास के रूप में शारदा 1981, मिस्टर कोहली अनीता के पिता और इंदर के बॉस के रूप में हरिमोहन के बॉस के रूप में हथकड़ी 1982, अपराधी कौन 1982, राय बहादुर दीनदयाल के रूप में बदले की आग 1982, मोहनलाल वर्मा के रूप में दूल्हा बिकता है 1982, सीमा के पिता के रूप में जत्ता शंकर के रूप में गजब 1982, प्यास 1982, सवाल 1982, गोविंद राम के रूप में विधाता 1982, खुशी राम खुशाल सिंह के रूप में डॉक्टर राधे मोहन के रूप में पंचविन मंजिल 1983। अगर तुमने होते 1983, संकूर अहमद के रूप में स्वीकार किया मैंने 1983, बड़े दिल वाला 1983, माखन लाल के रूप में
नास्तिक 1983 पुलिस इंस्पेक्टर गंगाराम के रूप में, अंधा कानू 1983 के जेलर गुप्ता के रूप में, अवतार 1983 सेठ जुगल किशोर अतिथि उपस्थिति के रूप में, धरती आकाश 1983 टीवी जैसा जगदीश हीरो 1983 भारती के रूप में, गिरधारी के रूप में, हमसे ना जीता कोई 1983 में, आवारा हूँ 1983, दौलत राम के रूप में, मजदूर 1983, फिल्म निर्देशक के रूप में, नौकर विवेका 1983, माली काका के रूप में, पेंटर बाबू 1983, वो जो हसीना 1983, लॉरी 1984, मिस्टर कपूर 12 बच्चों के पिता के रूप में, जुम्मन मियाँ के रूप में, प्रेरणा 1984, बाजी 1984, बद्री प्रसाद के रूप में, आशा ज्योति 1984, मसाल 1984, ताताराम के रूप में, आज का विधायक राम अवतार 1984, माखनलाल केसरी के रूप में, आवाज़ 1984, मीर चंदानी के रूप में, खजाना 1984, राज तिलक 1984, रंजीत के रूप में, वक्त के पुकार 1984, सूबेदार के रूप में, यादव की जंजीर 1984, ठाकुर के रूप में, गाल 1985, संपूर्णता के रूप में, बाबू 1985, ज्योति 1985, प्रोफेसर पुरी के रूप में, बेपना 1985, युद्ध 1985, दयाली के रूप में, दयाली के रूप में, लावा 1985, जवाब 1985, लखनी के रूप में, मोजान दुबई दियान 1985, उल्टा सीधा 1985, कर्नल खुराना के रूप में, यादव की कसम 1985, विशंबर नाथ कपूर के रूप में, रहमान खान के रूप में, खेल मोहब्बत का 1986, मददगार 1987, लावारिस के रूप में, विशाल 1987, संतोष 1989। इस तरह जो है मदनपुरी ने इन सभी फिल्मों में अभिनय किया है और उनके अभिनय में जो है उन्हें जाना जाता है। ज्यादातर फिल्मी कैरियर में उन्होंने एक खलनायक की भूमिका निभाते हुए एक पुलिस आयुक्त की भूमिका निभाई है। दादा चाचा की भूमिका निभाते हुए अपने उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में अपना एक जो मजबूत स्थिति को बनाए रखा है और यह पांच बहन भाइयों में थे। ये जो है अमरीश पुरी जो है उनके छोटे भाई थे। बाद में उनके कैरियर को स्थापित करने में मदन पुरी ने उनको उनकी मदद की और वह भी एक जो है सुपरहिट खलनायक के रूप में अमरीश पुरी को भी फिल्मी दुनिया में जाना जाता है। निरुपमा निरुपा रॉय, कोकिला किशोर चंद्र बलूसरा इनका जो है पूरा नाम है। इनका जन्म 4 जनवरी 1931 को और इनकी मृत्यु 13 अक्टूबर 2004 को हुई। यह एक भारतीय अभिनेत्री थी जो हिंदी फिल्मों में दिखाई दी थी। त्रासदी और दुख के अपने चित्रण के लिए प्रसिद्ध रॉय को उनकी अभिनय क्षमता के लिए जाना जाता था और उन्हें हिंदी फिल्मों फिल्म हलकों में दुख की रानी कहा जाता था। निरुपा रॉय 1946 से 1990 तक सक्रिय रहे और उन्हें मातृभूमि का निभाने के लिए जाना जाता था। रॉय ने 250 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और अपने पूरे कैरियर में 3 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते, साथ ही एक के लिए नामांकित भी हुए। 2004 में रॉय को फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। इनका जन्म कोकिला किशोर चंद्र बुलसारा 4 जनवरी 1931 को बुलसर बॉम्बे प्रेसिडेंट देसी ब्रिटिश भारत अब यह वलसाड़ गुजरात में है। इनकी मृत्यु 13 अक्टूबर 2004 को 73 वर्ष की उम्र में मुंबई महाराष्ट्र में हुई। राष्ट्रीयता भारतीय है। दूसरा नाम दुख की रानी अभी व्यवसाय अभिनेत्री सक्रिय वर्ष 1946 से 1999 पति कमल रॉय संतान 2 पुरस्कार मुनीम जी के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार 1956 छाया के लिए फिल्म फेयर सहायक सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार 1962 सहनाई के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार 1965 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2004। प्रारंभिक जीवन निरुपा रॉय का जन्म कोकिला किशोर चंद्र बुलसारा के रूप में कलवाड़ा
वलसाड़ गुजरात में हुआ था। उन्होंने 15 साल की उम्र में कमल रॉय से शादी की और मुंबई आ गई। जब उन्होंने फिल्म उद्योग में प्रवेश किया तो उन्होंने अपने विवाहित नाम निरूपा रॉय का इस्तेमाल किया। कैरियर 1946 में रॉय और उनके पति ने अभिनेताओं की तलाश में एक गुजराती पत्र में एक विज्ञापन का जवाब दिया। उन्हें चुना गया और उन्होंने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत गुजराती फिल्म रौनक देवी से की। उसी वर्ष उन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म अमर राज में अभिनय किया। 2 बीघा जमीन 1953 उनकी लोकप्रिय फिल्मों में से एक थी। उन्होंने 1940 और 50 के दशक की फिल्मों में बड़े पैमाने पर पौराणिक किरदार निभाए। हर हर महादेव में उन्होंने त्रिलोक कपूर के साथ पार्वती देवी की भूमिका निभाई, जिन्होंने शिव की भूमिका निभाई, और यह फिल्म साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। एक देवी की उनकी छवि बहुत मजबूत थी और लोग उनके घर जाते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे। उनके सह कलाकारों में त्रिलोक कपूर ने, जिनके साथ उन्होंने 18 फिल्मों में अभिनय किया था, भरत भूषण, बलराज सहनी और अशोक कुमार। 1970 के दशक में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर द्वारा निभाए गए किरदारों में माँ के रूप में उनकी भूमिका ने उनके नाम को गरीब पीड़ित माँ का पर्याप्त बना दिया। दीवार 1975 में उनकी भूमिका और एक माँ और बेटे के संदर्भ में इस के संवादों को क्लिच के रूप में उपयोग किया गया जाता है। व्यक्तिगत जीवन कमल रॉय से सा के साथ उनकी शादी में उनके 2 बच्चे थे, जिनका नाम योगेश और किरण रॉय था। उनकी मृत्यु के बाद के वर्षों में वे रॉय की संपत्ति और सामान के विवाद में उलझे रहे, जिसने पूरे समाचार मीडिया में बहुत ध्यान आकर्षित किया। 13 अक्टूबर 2004 को रॉय को मुंबई में दिल का दौरा पड़ा और 73 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। रॉय की स्मृति में कई श्रद्धांजलि और लेख बनाए गए हैं। फिल्म दीवार से उनके संवाद प्रतिष्ठित हो गए और उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों के साथ फिल्म में उनके अभिनय को हिंदी सिनेमा में एक मील का पत्थर माना जाता है। फिल्मोग्राफी चयनित फिल्मोग्राफी 1946 अमर राज डेब्यू फिल्म, 1949 ओदार, 1951 राम जन्म, 1953 बीघा जमीन करो नौलखहार, 1954 चक्रधारी दुर्गा पूजा, 1955 गरम कोट मुनीम जी टोगावली, 1956 भाई भाई, 1957 मोहिनी मुसाफिर, 1958 चालबाज दुल्हन, 1960 आंचल, 1961 छाया, 1962 बेजुबान, कौन, 1963 कौन अपना कौन पराया, मुझे जीने दो, गृहस्थी, 1964 बेनजीर, सहनाई, फूलों की सेज, 1965 शहीद, 1967 राम और श्याम, जाल आबरू, 1968 एक कली मुस्कान, राजा और रंक, आंसू बन गए फूल, 1969 प्यार का मौसम, राहगीर, अभिनेत्री, माँ और ममता, 1970 घर घर की कहानी, महाराजा, 1970 पूरब और पश्चिम, 1971 गंगा तेरा पानी अमृत, 1972 जवानी दीवानी, 1973 कच्चे धागे, 1975 दीवार, 1976 माँ, 1977 अमर अकबर अंधुनी अनुरोध, 1978 आग का तारा, 1979 सुहाग, 1982 तीसरी आँख, 1983 बेताब सर अफरोश, 1985 सरफरोश गिरफ्तार मर्द, 1986 अंगरोए, 1988 गंगा जमुना सरस्वती, 1988 इंतकाम, 1991 प्रतिकार, 1993 आंसू बने अंगारे, 1996 नमक, 1999 जहां तुम ले चलो, 1999 लाल बादशाह, 1957 रानी रूपमती। पुरस्कार और नामांकन
1956 मुनीम जी जीत लिया, 1962 सबसे अच्छी सहनाई का छाया जीत लिया, 1956 फिल्म फेयर पुरस्कार सबसे अच्छी सहनाई का सहनाई जीत लिया, 1976 फिल्म फेयर पुरस्कार सबसे अच्छी सहनाई का दीवार मनोनीत, 2004 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार जीत लिया। तो इस तरह जो है निरूपा रॉय ने हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है और 250 से अधिक फिल्मों में अपने अभिनय कैरियर के लिए यह जानी जाती है। और इनका जन्म 4 जनवरी 1931 को हुआ था और इनकी मृत्यु 13 अक्टूबर 2004 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में हो गई। यह अपनी मातृभूमि को निभाने के लिए जानी जाती हैं और यह इन दुख की रानी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन्हें अपने पूरे कैरियर में फिल्म फेयर 3 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं और साथ ही एक के लिए नामांकित भी किया गया है। 2004 में निरूपा रॉय को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। इनका जन्म कोकिला किशोरचंद बुलसारा के रूप में कलवाड़ा वलसाड़ गुजरात में हुआ था और यह इनकी शादी 15 साल की उम्र में कमल रॉय से हो गई थी। उसके बाद जो है दोनों यह मुंबई चले आए और इन्होंने फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। उसके बाद इन्होंने अपने विवाहित नाम निरूपा रॉय को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 1946 में रॉय ने अपने उनके पति अभिनेताओं की तलाश में गुजराती पत्र में विज्ञापन का जवाब दिया और सबसे पहली फिल्म इन्होंने की 1946 में अमर राज और 2 बीघा जमीन 1953 में इन्हें लोकप्रियता प्राप्त हुई और यह अपनी लोकप्रियता के लिए जानी जाती है। ज्यादातर फिल्मों में इन्होंने दुखी पीड़ित होने का अभिनय किया है और एक दुखी पीड़ित माँ के रूप में ज्यादातर फिल्मों में निरूपा रॉय दिखाई दी हैं, जिसके लिए इन्हें एक पीड़ित माँ के रूप में इन्हें जाना जाता है। इंडस्ट्रीज के अंदर ज्यादातर फिल्मों में यह इसी किरदार को निभाती हुई दिखाई दी है, अपने पीड़ित माँ के किरदार को निभाती हुई दिखाई दी है जो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय। विनोद मेहरा भारतीय फिल्मों में एक भारतीय अभिनेता थे। उन्होंने 1971 में एक वृक्ष के रूप में अपना फिल्मी कैरियर शुरू करने से पहले 1950 के दशक के अंत में एक बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की। उन्होंने 1970 के दशक से 1990 में 45 साल की उम्र में अपनी मृत्यु तक 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। वह निर्माता और निर्देशक भी थे। उनकी मृत्यु के 3 साल बाद रिलीज हुई फिल्म गुरुदेव की। उनका जन्म 13 फरवरी 1945 में हुआ था, अमृतसर पंजाब में। इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1990 में 45 वर्ष की उम्र में बॉम्बे महाराष्ट्र भारत में। पेशा अभिनेता निर्माता निर्देशक। सक्रिय वर्ष 1958 से 1990 तक। जीवन साथी मीना ब्रोका, बिंदिया गोस्वामी, किरण 1987। बच्चे सोनिया मेहरा, रोहन मेहरा। आजीविका। विनोद मेहरा ने 1958 की फिल्म रागनी में किशोर कुमार द्वारा निभाए गए चरित्र के एक छोटे संरक्षण की भूमिका निभाते हुए एक बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की। एक बच्चे के रूप में कुछ और छोटी भूमिकाएं निभाने के बाद उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1971 में एक थी
रीता के साथ एक वृक्ष के रूप में की, जो तनुजा के साथ अंग्रेजी नाटक ए गर्ल कॉल्ड रीटा पर आधारित एक स्मैक्स हिट थी। वह 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर द्वारा 10,000 से अधिक प्रतियोगियों द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतिभा प्रतियोगिता में फाइनलिस्ट में से एक थी। वह राजेश खन्ना से प्रतियोगिता हार गए और प्रतियोगिता के पुरुष उपविजेता बने। वह प्रतियोगिता में उपविजेता बनने तक गोल्डफील्ड मर्केलाइट कंपनी के साथ एक कार्यकारी थे। बॉम्बे के गेलार्ड्स रेस्तरा में रूप के एक सोरी द्वारा देखे जाने के बाद वह फिल्म उद्योग में शामिल हो गए। इसके बाद नवोदित योगिता बाली के साथ फिल्म पर्दे के पीछे आई। उसके बाद ऐलान रेखा के साथ अमर प्रेम 1971 और लाल पत्थर। हालांकि मौसमी चटर्जी के साथ यह केवल शक्ति सामंत का अनुराग 1973 था, जिसने उन्हें इस रूप में स्थापित किया एक अभिनेता। उन्होंने 2 दशकों से अधिक के फिल्म कैरियर में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपनी पिछली फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई। बाद में उन्होंने ज़्यादातर मल्टी स्टारर्स में सेकेंडरी लीड के रूप में काम किया। या भाई, दोस्त, चाचा, पिता और पुलिस अधिकारी और मजबूत सहायक भूमिकाएं निभाई। उन्होंने सुनील दत्त, धर्मेंद्र जैसे ऐसे भी शीर्ष अभिनेताओं के साथ काम किया। संजीव कुमार, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन उनकी लगातार महिला सह कलाकारों में रेखा, मौसमी चटर्जी, योगिता बाली, शबाना आजमी और बिंदिया गोस्वामी शामिल हैं। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में में नागिन, जानी दुश्मन, घर, स्वर्ग नर्क, कर्तव्य साजन, बिना सुहागन, जुर्माना, एक ही रास्ता, ये कैसा इंसाफ, स्वीकार किया मैंने और खुददार शामिल है। उन्होंने अनुरोध 1977, अमरदीप 1979 और बेमिसाल 1982 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर नामांकन मिला। उन्होंने 1985 में एक पंजाबी फिल्म मौजान दुबई दिया में भी प्रमुख भूमिका निभाई। वह 1980 के दशक के अंत में गुरुदेव के साथ निर्माता और निर्देशक बने, जिसमें श्रीदेवी, ऋषि कपूर और अनिल कपूर मुख्य भूमिका में थे। अक्टूबर 1990 में 45 वर्ष की आयु में फिल्म को पूरा करने से पहले उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। निर्देशक राज सिप्पी द्वारा फिल्म को पूरा करने के बाद फिल्म 1993 में रिलीज हुई। उनकी कई विलंबित फिल्में उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई और उनकी स्मृति को समर्पित थी, जैसे पत्थर के फूल 1991, फिल्म इंसानियत 1994 और औरत औरत 1996। विनोद मेहरा की बेटी सोनिया मेहरा ने 2 फिल्मों में काम किया है और बेटे रोहन मेहरा ने 2008 में 18 में निखिल आडवाणी की फिल्म बाजार में अपनी शुरुआत की है। निजी जीवन और परिवार। विनोद मेहरा का जन्म 1945 में अमृतसर में हुआ था। उनके पिता का नाम परमेश्वरी दास मेहरा और माता का नाम कमला मेहरा था। स्वतंत्रता के बाद परिवार ने अपना आधार अमृतसर से बॉम्बे में स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि परमेश्वरी दास की बॉम्बे में व्यावसायिक रुचि थी। उनकी शारदा नाम की एक बड़ी बहन थी, जो 1970 के दशक में मेहरा के कैरियर की शुरुआत से पहले कई फिल्मों में दिखाई दी थी। मेहरा ने सेकेंड हाई स्कूल सांता क्रूज में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज में मुंबई से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 70 के दशक के माध्यम में मेहरा रेखा के करीब थे। दरअसल माना जाता है कि उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली थी, लेकिन 2004 में जिमी सेमी ग्रेवाल के साथ एक
टेलीविज़न साक्षात्कार में रेखा ने उनसे कभी शादी करने से इनकार किया और उन्हें प्यार से शुभचिंतक के रूप में संदर्भित किया। लेकिन रेखा की जीवनी द अनटोल्ड स्टोरी में यासर उस्मान द्वारा इस घटना का उल्लेख करे एक फिल्म निर्माता के अनुसार, जब रेखा ने के अफवाह पति विनोद मेहरा कलकत्ता में शादी करने के बाद उन्हें बॉम्बे में अपने घर ले गए तो विनोद की माँ गुस्से में थी। वह रेखा को अपनी बेटी के रूप में नहीं चाहती थी। ससुराल रेखा से उनकी इतनी दुश्मनी थी कि उसने कथित तौर पर एक अभिनेत्री को दूर धकेल दिया। जब बाद में उसने अपने पूरे छूने की पैर उसने पैर छूने की कोशिश की मीना ब्रोका से मेहरा की पहली शादी उनकी माँ ने तय की थी। शादी कथित तौर पर समाप्त नहीं हुई थी क्योंकि शादी के कुछ समय बाद ही विनोद मेहरा को दिल का दौरा पड़ा था। एक बार जब वह ठीक हो गया और तो वह उस समय की प्रमुख महिला बिंदिया गोस्वामी के साथ भाग गया। मीना के पास तलाक के लिए अर्जी देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। बिंदिया के साथ मेहरा का रिश्ता बहुत जल्दी खुल गया और उन्होंने जल्द ही उन्हें निदेशक जेपी दत्ता से शादी करने के लिए छोड़ दिया। 1988 में मेहरा ने केनिया के एक परिवहन व्यवसायी की बेटी किरण से शादी की। शादी के 2 साल बाद उनकी मृत्यु तक चली और 2 बच्चे पैदा हुए। सोनिया नाम की एक बेटी 1988 में पैदा हुई और रोहन नाम का एक बेटा मरणोपरांत पैदा हुआ। 30 अक्टूबर 1990 को मेहरा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह केवल 45 वर्ष के थे। मेहरा की मृत्यु के बाद उनकी विधवा अपने माता पिता और बहन के साथ रहने के लिए केनिया चली गई। बच्चों की परवरिश मोसाम्बासा में हुई और उच्च शिक्षा के लिए यूके चले गए। दोनों ने अंततः फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। सोनिया ने 2007 की फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 में हिंदी फिल्म की शुरुआत की, जो इसी नाम की 1972 की क्लासिक फिल्म की रीमेक थी। रोहन ने निखिल आडवाणी की बाजार 2018 में अपनी शुरुआत की। फिल्मोग्राफी: निर्माता और निर्देशक गुरुदेव 1993, अभिनेता अदल ए जागीर 1955, बाल कलाकार के रूप में विनाश रे, पतित पवन 1955, शारदा 1957 से करके भाई के रूप में, दुनिया रंग रंगीली 1957, स्ट्रीट सिंगर के रूप में, बाल योगी उपमन्यु 1958, रागनी 1958, यंग राजन के रूप में विनाश्रे, युवा किशोर कुमार के रूप में बेवकूफ 1960, अंगुली माल 1960, यंग अहिंसा की रूप में, एक थी रीता 1971, पर्दे के पीछे 1971, रजनी के रूप में, ऐलान 1971, नरेश कुमार सक्सेना के रूप में, लाल पत्थर 1971, शेखर के रूप में, अमर प्रेम 1971, नंद किशोर शर्मा नंदू के रूप में, अनुराग 1971, राजेश के रूप में, सीआईडी इंस्पेक्टर आनंद के रूप में, रानी मेरा नाम 1972, 20 साल पहले 1972, कहानी श्रोता के रूप में, बंदगी 1972, दर्पण के रूप में, कहानी हम सब की 1973, प्रभाती के रूप में, तीन चोर 1973, मोहन के रूप में, निर्दोष 1973, रवि के रूप में, हिफाजत 1973, किशोर के रूप में, दो फूल 1973, चरित कुमार राय चट्टन के रूप में, जुर्म और सजा 1974, रतन के रूप में, आरोप 1974, रवि के रूप में, विनोद के रूप में, कुवारा बाप 1974, वड़ा तेरा
वाड़ा तेरा वाड़ा 1974 विनोद के रूप में, उजाला ही उजाला 1974 विक्रम के रूप में, उस पार 1974 मोहन के रूप में, शानदार 1974 चांदनी के रूप में, हवस 1974 डॉक्टर बालिक के रूप में, फसलहा 1974 विनोद के रूप में, विशाल के रूप में, चट्टान सिंह 1974, अलबेली 1974 विकास चंद्र वर्मा के रूप में, वरदान 1975 महेश शर्मा के रूप में, मजाक 1975 विनोद के रूप में, उम्र कैद 1975 विनोद के रूप में, रफ्तार 1975 विक्रम के रूप में, दो झूठ 1975 संजय के रूप में, नीलिमा 1975 जिंदगी 1976 अजय के रूप में, टीनू के रूप में, अर्जुन पंडित 1976 टीना शुक्ला, राजेश के रूप में, नागिन 1976, सबसे बड़ा रुपया 1976 अमित राय के रूप में, मैकेनिक के रूप में, गिनी और जानी 1976, दो खिलाड़ी 1976 सावन के रूप में, साल 16 सोलवन चढ़िया 1977 टोनी अंकल के रूप में, टिंकू 1977 राजेंद्र शाह के रूप में, जागृति 1977 दुनियादारी 1977 प्रकाश के रूप में, खेल किस्मत का 1977 विनोद के रूप में, चालू मेरा नाम 1977 सीआईबी अधिकारी चंद्रशेखर राजू के रूप में, ऊपर वाला जैन 1977 काली रात 1977 अशोक के रूप में, एक ही रास्ता 1977 निर्मली के रूप में, सफ़ेद झूठ 1977 विनोद ठाकुर के रूप में, श्रीकांत के रूप में, अनुरोध 1977 अब क्या होगा 1977 काका बेटे के रूप में, बिना श्रेय साजन बिन सुहागन 1978 आनंद के रूप में, घर 1978 विक्रम चंद्र के रूप में, विकास चंद्र के रूप में, स्वर्ग नरक 1978 विनोद के रूप में, चौकी नंबर 11 1978 विजय के रूप में, चक्रव्यूह 1978 रमन के रूप में, आखिरी कसम 1979 इंस्पेक्टर रामी के रूप में, कर्तव्य 1979 अजय राय दुसंत के रूप में, प्रेम प्रकाश त्रिवेदी के रूप में, जुर्माना 1979 जानी दुश्मन 1979 पुलिस इंस्पेक्टर पागल के रूप में, बिन फेरे हम तेरे 1979 राजू शर्मा देवू शर्मा डबल रोल के रूप में, राखी की सोगन 1979 सीआईडी इंस्पेक्टर शंकर वर्मा के रूप में, लव इन कनाडा 1979 डॉक्टर अमित कुमार के रूप में, जंदर 1979 राजू इंस्पेक्टर राजकुमार वर्मा राजू के रूप में, दादा 1979 एएस मोती जीतू अमरदीप 1979 किशन के रूप में, आत्माराम 1979 मदनी के रूप में, नया बकरा 1979 विनोद के रूप में, प्रेमिका 1980 विनोद के रूप में, कशिश 1980 मोहन के रूप में, बदला और बलिदान 1980 दीपक के रूप में, सबूत 1980 विकास के रूप में, द बर्निंग ट्रेन 1980 राकेश के रूप में, टक्कर 1980 विनोद बॉस डबल रोल के रूप में, ज्योति बनेजवाला 1980 इंस्पेक्टर अर्जुन बख्शी के रूप में, ज्वालामुखी 1980 विक्रम के रूप में, प्यारा दुश्मन 1980 इंस्पेक्टर अमर के रूप में, जख्मों के निशान 1980 ये कैसा इंसाफ 1980 रामनाथ मल्होत्रा राम के रूप में, खून खराबा 1980 राजू के रूप में, साजन की सहेली 1981 आनंद के रूप में, राम कपूर के रूप में, ये रिश्ता ना टूटे 1981 दरगाह भक्त के रूप में, समा 1981 देवड़ी के रूप में, चेहरे पे चेहरा 1981 सन्नाटा 1981 सीआईबी अधिकारी विशेष उपस्थिति के रूप में, प्यासा सावन 1981 जगन्नाथ के रूप में, गहरा जखम 1981 विजय के रूप में, कहानी एक चोर की 1981 श्याम विलाती के रूप में, सनी 1981 अजय सचदेव के रूप में, प्रोफेसर प्रोफेसर प्यारे लाल 1981 प्रोफेसर प्यारे लाल के रूप में, खून की टक्कर 1981 रजनी के रूप में, उस्तादी उस्ताद से 1982 संजय सोनू के रूप में, डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी के रूप में, बेमिसाल 1982
डायल 1982 गौतम के रूप में, खुद्दार 1982 राजे श्रीवास्तव राजा के रूप में, लक्ष्मी 1982 मोहन सक्सेना के रूप में, चरण के रूप में शिवचरण 1982 जितेंद्र वर्मा के रूप में, गोपी चंद जासूस 1982 संबंध 1982 प्रकाश खन्ना के रूप में, राख और चिंगारी 1982 अशोक के रूप में, विजय शर्मा के रूप में, खुश नसीब 1982 दिल ही दिल में 1982 विजय कुमार आनंद के रूप में, स्वीकार किया मैंने 1983 किशन कुमार शुक्ला के रूप में, मेहंदी 1983 गौतम के रूप में, कनकुनी की मत 1983 प्रेम तपस्या 1983 अशोक के रूप में, नौकरी नौकर बीबी का 1983 इंस्पेक्टर अमरनाथ के रूप में, शुभकामना 1983 मिस्टर मेहरा के रूप में, लालच 1983 किशोर के रूप में, चोर पुलिस 1983 इंस्पेक्टर रोहन सिन्हा के रूप में, ये देश 1984 सलीम के रूप में, श्याम कपूर के रूप में, बिंदिया चमकेगी 1984 डॉक्टर कपूर के रूप में, डॉक्टर बशीर खान के रूप में, धर्म और कानून 1984 जीने नहीं दूंगा 1984 पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में, पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में जख्मी से 1984 ऑलराउंडर 1984 बिरजू के रूप में, औरत का इंतकाम 1984 दिनेश के रूप में, पेट प्यार और पाप 1984 विनोद के रूप में, मुझे शक्ति दो 1984 सूरज के रूप में, एक नया इतिहास 1984 राम तेरे कितने नाम 1985 आलोकनाथ गुप्ता के रूप में, प्यारी बहना 1985 विनय वर्मा के रूप में, संजोग 1985 नारायण के भाई के रूप में, शिव का इंसाफ 1985 राम के रूप में, मौजान दुबई दियान 1985 चंद्र प्रकाश के रूप में, अनकहा 1985 डॉक्टर के रूप में, जाल 1986 सतपाल वर्मा के रूप में, आपके साथ 1986 अशोक के रूप में, मोहब्बत की कसम 1986 डांसर सिंगर के रूप में, लॉकेट 1986 राजकुमार अनिल प्रताप सिंह राजा के रूप में, स्वाति 1986 सत्य प्रकाश के रूप में, ऐसा प्यार कहा 1986 एडवोकेट दीपक खन्ना के रूप में, पेटन की बाजी 1986 इंस्पेक्टर विनोद सक्सेना के रूप में, इंतकाम की आग 1986 इंस्पेक्टर किशन के रूप में, प्रीति 1986 मकार 1986 प्रशांत जेरी के रूप में, समय की धारा 1986 डॉक्टर विनोद कपूर के रूप में, विशाल 1987 डॉक्टर तारकी के रूप में, प्यार की जीत 1987 डॉक्टर आनंदी के रूप में, आग ही आग 1987 डॉक्टर रघुवीर सिंह के रूप में, सत्यमेव जयते 1987 इंस्पेक्टर मिर्जा के रूप में, औलाद 1987 विकास विक्की के रूप में, वो मिली थी 1988 अमर के रूप में, वक्त की आवाज़ 1988 श्रीकांति के रूप में, आखिरी अदालत 1988 बैरिस्टर श्रीकांत वर्मा के रूप में, फैसला 1988 सीआईडी इंस्पेक्टर अशोक वर्मा बंसी के रूप में, धर्म के रूप में महावीर 1988 नामुमकिन 1988 शक्ति कोहली के रूप में, साजिश 1988 इंस्पेक्टर सक्सेना के रूप में, और मिटेंगे 1988 इंस्पेक्टर ठाकुर के रूप में, 20 साल बाद 1988 इंस्पेक्टर वर्मा के रूप में, वर्दी 1989 पुलिस आयुक्त वर्मा के रूप में, मेरी जबान 1989 विक्रम सिंह के रूप में, ईश्वर 1989 रमेश के रूप में, प्रेम प्रतिज्ञा 1989 प्रोफेसर के रूप में, शहजादे 1989 इंस्पेक्टर शंकर श्रीवास्तव के रूप में, मिट्टी और सोना 1989 इंस्पेक्टर सुनील के रूप में, हम इंतजार करेंगे 1989 रवि के रूप में, जिम्मेदार 1990 इंस्पेक्टर प्रकाश वर्मा के रूप में, प्यार का कर्ज 1990 पुलिस आयुक्त अरुण कुमार के रूप में, पत्थर के फूल 1991 इंस्पेक्टर विजय वर्मा के रूप में, चंचल के पिता के रूप में, शिकारी 1991 कोराम 1991 मास्टर जी के रूप में, सरफिरा 1992 एडवोकेट राज किशन सिन्हा के रूप में,
पुलिस वाला 1993 इंस्पेक्टर प्रभाकर के रूप में, प्रतीक्षा 1993 टॉम डी कोस्टा के रूप में, इंसानियत 1994 नंदू के रूप में, औरत 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 1996 विजय के रूप में, आतंक 1996 पीटर के रूप में, आहट 2010 अप्रकाशित फिल्म में, बांध मारो बांध 1980, बैरिस्टर 1982, चकमा 1984, कसम रस्में 1986, बोनी 1993। ये कुछ फिल्में उनकी अप्रकाशित है। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में 100 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और उनके बच्चे भी अब फिल्मी कैरियर अपने फिल्मी कैरियर को संवारने के लिए इन इंडस्ट्री में आ गई है और उन्होंने भी अपनी शुरुआत की कर दी है, फिल्मों के अंदर अपनी शुरुआत कर दी है। उनकी बेटी सोनिया मेहरा और बेटा जो है और उनका बेटा 2018 में उन्होंने भी अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत कर दी है। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में 100 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया है और कुछ फिल्में जो हैं उनकी अप्रकाशित हैं, जिनको जो है प्रकाशित नहीं किया गया है।